हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मधेश या करेंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम PGI आजमगढ़। तो आज हम लोग अपने जो 80 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके हम लोग टॉपिक नंबर 3 करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए PDF ऑन कर लेता हूँ मैं। ये कल वाला सेकेंड टॉपिक था, ये हमारा PDF तीसरा और चौथा टॉपिक है। आज हम लोग दो टॉपिक करेंगे, ऐसे बीच बीच में जब मतलब मुझे टाइम मिलेगा या छोटे छोटे टॉपिक आएंगे तो मैं पाँच छः टॉपिक करा दिया करूँगा, ठीक है। और जब मेरी छुट्टी हो जाएगी तो मैं ऐसे ही पाँच छः टॉपिक डेली करा दूँगा, ठीक। तो ये मत कोई सोचेगा कि मतलब हो नहीं पाएगा या कैसे होगा, मैं कराऊँगा ना, मैंने बोला तो मैं कराऊँगा, ठीक है। चलो, आज हमारा टॉपिक है डायमेंशन और काइनेटिक्स का पहला पार्ट, जिसमें हम लोग वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक। चलो, सबसे पहले चीज़ देखो, कन्वर्जन में क्या सबसे पहला रूल होता है कि n इंटू यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यानी कि n इंटू यू कांस्टेंट होने का मतलब हुआ n क्या है, हमारा नंबर है, यूनिट क्या है हमारा, u क्या है, यूनिट है। यानी नंबर इंटू यूनिट कांस्टेंट होता है। यानी n1 इंटू u1 इजकल टू n2 इंटू u2 इजकल टू n2 इंटू n3 इंटू n3 ऐसे चलता जाएगा, यानी बराबर होता है, यानी कि कांस्टेंट होता है। यानी कि अगर nu कांस्टेंट हुआ, जिसका सिंपल सा मतलब है अगर तुम नंबर बढ़ाओगे, यानी कि जो नंबर है तुम्हारे आगे ना, जैसे मान लो लिखा है 10 मीटर पर सेकेंड, अगर तुम इस 10 को बढ़ाओगे यानी n को बढ़ाओगे तो यूनिट अपने आप कम होगी। अब यूनिट अपने आप क्यों कम होगी, क्योंकि पूरा क्या है, कांस्टेंट है। यानी n इंटू यू कांस्टेंट है, इसको मतलब कांस्टेंट रखने के लिए, फिक्स रखने के लिए अगर इसको बढ़ाओगे तो इसको घटाना पड़ेगा, इसको बढ़ाओगे तो इसको घटाना पड़ेगा, तभी तो जाके बराबर होगा। 10 था, 5 था, हमको 10 रुपये ही रखना है, तो एक के पास 3 था, एक के पास 7 था, अब इसको 4 करोगे तो इसको 6 करना पड़ेगा, यानी इसको बढ़ा रहे हो तो इसको घटाना पड़ेगा, वही कंसेप्ट है। तो n इंटू यू हो गया, यानी कि n और u में जो ग्राफ बनेगा ऐसे बनेगा, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और ये देखो nu कांस्टेंट है ना, nu कांस्टेंट है, यानी nu और u में जब ग्राफ बनेगा तो ये कांस्टेंट बनेगा। ये दोनों ग्राफ ध्यान रखना, और ये बेसिक चीज़ जैसे लिखा है 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है। तो ये देखो 18 था पहले, ये किलोमीटर पर आवर में था, अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, मीटर पर सेकंड में कर रहे हैं। इसको देखना डाटा को, बस इसको चेंज कैसे करेंगे, ये 18 किलोमीटर पर आवर मैंने लिख दिया, इंटू इसको एक्स मान लिया, चेंज करना है ना, पूछ रहा है ना कितना हुआ, तो एक्स मान लिया, तो एक्स इंटू मीटर पर सेकेंड। अब देखो, या तो मीटर को कन्वर्ट कर दो तो किलोमीटर में, या तो किलोमीटर को कन्वर्ट कर दो तो मीटर में, बस यही एक काम करना है, पूरे फिजिक्स में यही एक काम करना है UDM में। तो 18 × मैंने किलोमीटर को कर दिया मीटर में, 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1000 मीटर, तो 1000 मीटर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 1 घंटे में कितना सेकेंड, तो 3600 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर भी मीटर पर सेकेंड आ गया, यहाँ पहले से मीटर पर सेकेंड था, ये दोनों कट जाएंगे, मीटर पर सेकेंड। तो बचेगा x, ये 0000 कटेगा, 18 × 36, 2×5 10, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया, यानी कि 18 किलोमीटर पर आवर में 5 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक। अब देखो, पहला चीज़ आई होप कि तुम्हें क्लियर हो गया, एकदम धीरे नहीं करूँगा ना, दो दिन मैंने बहुत धीरे पढ़ाया, ताकि मेरी ट्यूनिंग मैच करा रहा था, अब मैं उतना धीरे नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करवाना है और मतलब टाइम फिर बहुत ज़्यादा लगेगा, फिर तुम्हें इसका कोई फ़ायदा नहीं ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो अच्छे दिमाग से बैठो और जो चीज़ें बोल रहा हूँ उसको अच्छे से सुनो, ठीक, सारी चीज़ें अपने आप आएंगी, नहीं आएंगी तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आ जाएंगे पक्का एकदम। देखो कह रहा है, अगर दो टर्म को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया किसी इक्वेशन में, अगर दो टर्म के बीच में एडिशन का साइन हो या सब्ट्रैक्शन का टाइम हो, जैसे पी है और प्लस क्यू है, दोनों के बीच में प्लस का साइन आ गया ना, इसका मतलब ये हुआ कि इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन दोनों का सेम है, यानी कि सेम डायमेंशन वालों को ही हम लोग जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, पहला नियम। दूसरा नियम क्या है, डायमेंशन निकालने के लिए उसको फोर्स और एनर्जी के फॉर्मूले से इक्वेट कर दो। जैसे फोर्स का और एनर्जी के, जैसे देखो किसी का डायमेंशन निकालना तो एक फॉर्मूला ढूंढो, उस फॉर्मूले में क्या होना चाहिए, उस फोर्स में या एनर्जी में उस डायमेंशन के साथ रिलेशन होना चाहिए। जैसे तुम्हें निकालना है ईटा का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, ठीक, सॉरी यहाँ देखो फोर्स इक्वल टू इसका निकालना है विस्कोसिटी का, तो मैं एक ऐसा फॉर्मूला ढूंढूंगा जिसमें ईटा भी आ रहा हो और फोर्स आ रहा हो, या ईटा आ रहा हो या एनर्जी आ रहा है, यानी कि फोर्स के साथ ईटा आ रहा हो या एनर्जी के साथ ईटा हो रहा है आ रहा हो, तो मुझे मिलेगा फोर्स, स्टोक्स ला कहता है कि फोर्स इक्वल टू होता है 6π ईटा r b, यहाँ से पाई 6π तो हमारा कांस्टेंट है, उसको हटा दो तो ईटा क्या हो जाएगा, फोर्स अपन आर बी, यानी कि ईटा का फोर्स हो जाता है, फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सीलरेशन अपन आर बी, मास का होता है m, एक्सीलरेशन का होता है LT-2, r का हो जाता है l, b का होता है LT-1, ये होता है इसका, ठीक है। नहीं, l से l खत्म हो जाएगा तो बचेगा m L-1 और T^-1, ये होगा T^-2 या T^-1 है, तो बढ़ जाएगा T^-1।
तो तुमने देखा कि मैंने ईटा का निकालना था कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, तो मैंने एक ऐसा फॉर्मूला ढूंढा जिसमें ये था ईटा था और मतलब फोर्स भी था ईटा भी था। जैसे मुझे रेजिस्टेंस का निकालना हो, रेजिस्टेंस का, तो या तो मैं इससे निकाल लूँ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बीच कर दूँ आई आर से, तो इससे पहले वोल्टेज का निकालोगे फिर करंट का निकालोगे तब आर निकलेगा, या तो मैं सीधे ऐसा कोई फॉर्मूला ढूंढूँ जिसमें आर भी हो और करंट भी हो, मतलब रेजिस्टेंस का निकालना हो ठीक है, तो ऐसा फॉर्मूला ढूंढो जिसमें फोर्स या रेजिस्टेंस हो या एनर्जी या रेजिस्टेंस हो। तो हमको मालूम है कि जो हीट का फॉर्मूला होता है क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी, तो हीट भी तो एक एनर्जी ही है, यानी एनर्जी आ गया यहाँ पे, तो हमसे यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग आर का लिख देंगे एनर्जी अपन आई स्क्वायर टी, एनर्जी अपन आई स्क्वायर टी। इससे क्या हो जाएगा, एनर्जी का फॉर्मूला तुमको मालूम ही होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू होता है, और आर स्क्वायर टी का तुम अपने आप लिख दोगे। मतलब सिंपल सी बात है, किसी भी चीज़ का तुमको पूछे तो तुम कोई एक ऐसा फॉर्मूला ढूंढो जिसमें उस क्वांटिटी का रिलेशन या तो फोर्स के साथ हो या तो एनर्जी के साथ हो, वहाँ से डायरेक्ट आंसर आता है, तुरंत आंसर, सबसे आसान आंसर वहीं से आता है। नहीं तो बाकी यहाँ इस फॉर्मूले को उस फॉर्मूले में कनेक्ट कर करके करोगे तो बहुत टाइम लगेगा तुम्हें। ठीक, जैसे देखो फोर्स का सबसे जरूरी होता है और एनर्जी का हर जगह पूछा जाता है, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, तो मास का हो जाएगा एम, एक्सीलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर को हो जाएगा एल पर टी का स्क्वायर एल टी माइनस टू, तो ये लिखा है एक्सीलरेशन का होता है एल टी माइनस टू, तो फोर्स का हो जाएगा एम एल टी माइनस टू। एनर्जी का क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है वर्क डन, एनर्जी जो होती है वर्क डन के बराबर होती है या हीट लॉस के बराबर होती है, तो वो हो जाता है वर्क डन क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का हो जाएगा एम एल टी माइनस टू यहाँ से, और डिस्प्लेसमेंट का एल हो जाएगा तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, यानी कि फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू और एनर्जी का होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ये चीज़ें याद रखना। पार्सेक एंगस्ट्रॉम यूनिट, एंगस्ट्रॉम ए यू, और लाइट ईयर तुम्हें दिख रहा होगा, लाइट ईयर, लाइट ईयर है तो तुम कहोगे ये तो टाइम है, टाइम का है तो टाइम का सेकेंड हो जाएगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा। ये पार्सेक ए यू एंगस्ट्रॉम लाइट ईयर ये सारे हमारे क्या हैं, लेंथ के मेजरमेंट है, सारे मीटर में डायमेंशन होंगे इसके, ठीक है एम में। अब देखो यूनिट और डायमेंशन का सबसे बेसिक कंसेप्ट तुम्हें समझाता हूँ। तुम्हारे घर में दो कमरे हैं, एक ग्राउंड फ्लोर पे है ठीक है, एक फर्स्ट फ्लोर है और एक सेकंड फ्लोर है। तो अगर मैं तुमसे कहूँ कि फर्स्ट फ्लोर यूनिट है और सेकंड फ्लोर डायमेंशन है, मतलब डायमेंशन है, तो मुझे ये बताओ पहला फ्लोर क्या है, यूनिट है, दूसरा क्या है, डायमेंशन है। तो मुझे ये बताओ, पहले हमने लिखा है कि यूनिट होगा, अगर ये यूनिट होगा तो क्या ये होगा, क्या ये डायमेंशन होगा, यानी नीचे वाली अगर घर बनी होगी तो क्या उसके ऊपर क्या होगा, घर बनी भी हो सकती है घर नहीं भी बनी हो सकती है। तो अगर यूनिट है, अगर यूनिट है, अगर यूनिट है तो डायमेंशन मे और मे नॉट, मतलब हो भी सकता है नहीं भी सकता है। दूसरा केस देखो, अगर यूनिट नहीं है, अगर यूनिट नहीं है, अब देखो ये पहला फ्लोर था हमारा यूनिट था, दूसरा फ्लोर डायमेंशन था, अगर ये यूनिट ही नहीं है तो क्या ये दूसरा फ्लोर हवा में लटकेगा क्या, हवा में लटकेगा, हवा में नहीं लटकेगा ना, हवा में नहीं लटकेगा। तो ये जो होगा हमारा, अगर ये ही नहीं है, यूनिट ही नहीं है, तो डायमेंशन अपने आप धराशायी हो जाएगा, डायमेंशन होगा ही नहीं, यानी कि अगर यूनिट नहीं है तो मस्ट भी डायमेंशनलेस, उसको डायमेंशनलेस होना ही पड़ेगा। ठीक, अब देखो यूनिट, अगर किसी के पास मे और मे नॉट है यूनिट, अगर किसी के पास हो सकता है यूनिट हो या यूनिट ना हो, यूनिट हो यूनिट ना हो, तो क्या उसके पास डायमेंशन होगा, क्या उसके पास डायमेंशन होगा, नहीं होगा भाई। जब यूनिट ही नहीं है, अगर यूनिट ही नहीं है तो डायमेंशन होगा ही नहीं, बात ही खत्म। देखो अगर यूनिट ही नहीं है तो मस्ट भी डायमेंशन लेस, और मस्ट हैव यूनिट, अगर यूनिट है, अगर ये नीचे वाला छत है, अगर यूनिट है तो पक्का है कि डायमेंशन होगा। लेकिन अगर ऐसा बोल रहा है कि नीचे वाला छत है, देखो सिंपल सा मतलब ये है कि जो मैंने पिंक कलर से लिखा ना उसको पहले मानना, यानी यूनिट है तो ये दोनों हो भी सकता है नहीं भी सकता है, इसमें नहीं है मतलब यूनिट नहीं है तो डायमेंशनलेस ही होगा। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या लिखा, मे और मे नॉट है यूनिट, यानी कि यूनिट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, कब, जब डायमेंशन नहीं हो, यानी कि पहले ये लिखा था फिर ये लिखा हूँ, ठीक है। तो इसमें पूछेगा तुमसे अगर डायमेंशन नहीं है, इसमें क्या पूछेगा, अगर डायमेंशन नहीं है तो क्या क्या हो सकता है, तो हो सकता है उसका यूनिट हो सकता है उसका यूनिट ना हो, ठीक है। अगर डायमेंशन नहीं है, हो सकता है उसका यूनिट हो उसका यूनिट ना हो, क्यों ना हो, क्योंकि जब तुम एंगल के बारे में पढ़ोगे तो एंगल होता है दो, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, इन दोनों के पास यूनिट होता है लेकिन डायमेंशन लेस होते हैं, यानी इसका मतलब क्या हुआ, अगर डायमेंशन लेस है तो हो भी सकता है यूनिट हो भी सकता है कि यूनिट ना हो, ठीक। चौथा देखो, अगर यूनिट है तो जाहिर सी बात है यूनिट होगा तो डायमेंशन होगा ही होगा, ठीक। किसी भी अननोन का डायमेंशन अगर फाइंड करना हो तो उसको एमएलटी से कंपेयर कर दो, किसी भी डायमेंशन का अगर अननोन का डायमेंशन फाइंड करना हो तो उसको एमएलटी से कंपेयर कर दो, अपने आप आंसर आएगा, ठीक है। और ये चीज़ तुम्हें अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस में सिखा दूंगा।
हमारे पास सात बेसिक क्वांटिटीज होती हैं और उसका यूनिट होता है, जिसमें से लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ स्पेस। यही सात होते हैं हमारे पास फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी। इसी का यूज़ करके हम लोग बाकी लोगों का निकाल देते हैं। हमारे कोर्स में मतलब जब तक हम लोग पढ़ रहे हैं इन्हीं पाँचों का यूज होता है, मतलब क्लास ट्वेल्थ में तो लगभग इन्हीं पाँचों का यूज है ज़्यादातर। अभी देखना कैसे। तो ये फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज को बोलते हैं, ठीक। दूसरी चीज, लुमिनस इंटेंसिटी क्या होता है, कैंडीला, अमाउंट ऑफ स्पेस का जानते हो, मोल होता है। अब देखो कुछ डायमेंशन याद होना चाहिए तुम्हें, एल बाई आर, सी आर, रूट एल सी, इन तीनों का डायमेंशन टाइम के बराबर होता है, ठीक। प्रेशर, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, सीयर मॉडुलस, एनर्जी डेंसिटी, बी स्क्वायर, एनर्जी डेंसिटी क्या बोलते हैं, बी स्क्वायर अपन टू मी नॉट, हाफ अपन नॉट ई स्क्वायर, एनआरटी अपन बी, प्रेशर इतना, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, इन सारे का डायमेंशन क्या होता है, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, क्योंकि सब पे क्या है, प्रेशर ही एक तरह से है। तो ये तुम्हें तुम्हें अभी कहाँ, कल नहीं, हाँ वीडियो शूट कर चुका हूँ इसकी, ये तुम्हें ई एम वेव में है, ठीक है। ये आइडियल गैसी इक्वेशन है, ये तुम्हारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। तुम कह रहे हो कि भैया अभी तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, इसीलिए बोला जाता है कि यूनिट एंड डायमेंशन में टेंशन लेने की बात नहीं होती। तुमको एरर सिखा दिया हूँ, तुमको शुरुआत वर्ग में कैलपर सिखा दिया हूँ, ये डायमेंशन है। डायमेंशन तुमको हर एक चैप्टर का मिलेगा। तो जैसे जैसे तुम क्वेश्चन पढ़ते जाओगे, मतलब जैसे जैसे तुम्हारा चैप्टर आगे बढ़ेगा, तुम्हें सारी चीज़ों के डायमेंशन अपने आप तुम्हारे सामने आते जाएंगे, ठीक है। तो इतने सारे का होता है डायमेंशन, ये एम एन माइनस वन टी माइनस टू। तुम बस प्रेशर का याद रखो, बाकी कुछ भी पूछेगा तो प्रेशर का लिख देना। अब यहाँ पे देखो सी, सी इज इक्वल टू होता है वन अपॉन रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये जो सी हमारा स्पीड है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट वन वन बाई टू। तो ये जब ऊपर जाएगा तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट माइनस वन बाई टू आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट इसको ये लिख दिया कि सी इज इक्वल टू वन अपॉन रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट माइनस वन बाई टू। सेम डायमेंशन हो गया। अब देखो डायमेंशनलेस में, डायमेंशनलेस कुछ क्वांटिटी होती है हमारे पास, एंगल, सॉलिड एंगल, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पॉइसन रेशियो, स्ट्रेन, वोल्टेज गेन, करंट गेन, कोफिशिएंट ऑफ, ये ईटा नहीं, ईटा किसने लिख दिया भाई, ईटा यूनिट होता है ना इसका, इसका यूनिट होता है, ठीक है। डायमेंशनलेस रेडिव परमिटिविटी, रिलेटिव डेंसिटी, अभी हम लोगों ने देखा था यहाँ पे ईटा का निकला था, फोर्स इक्वल टू सिक्स पाई ईटा आर बी, इसका डायमेंशन होता है भाई ईटा का, ईटा किसने लिख दिया भाई, जो ये ईटा नहीं होगा ना, ईटा का तो होता है, अभी मैंने ऊपर तुमको समझाया, फिर यहाँ पे किसने लिख दिया, ठीक है। चलो ईटा, रिलेटिव डेंसिटी और रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव डेंसिटी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा पूछा गया कई बार। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब डायमेंशनलेस होते हैं, और जो भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी उसको कौन से कंपेयर कर दो, उसको एक मान लो, जो भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी उसको एक मान लो। ई पे अगर पावर है, कुछ भी पावर हो, ई पे पावर कुछ भी हो, तो जो पावर होगा उसको वन के बराबर कर देंगे। मान लो लिखा है ई पे पावर माइनस ट्वेंटी एट, तो तुरंत तुम माइनस ट्वेंटी एट नहीं करोगे, वो तुम ट्वेंटी एट को वन के बराबर कर दोगे। ई पे पावर माइनस लिखा है टू एक्स, तो माइनस टू एक्स नहीं करोगे, टू एक्स को बराबर कर दोगे वाई के, किसी चीज़ के माइनस नहीं लिखते हैं, मॉड होता है, मॉड ऑफ जितना पावर होगा वन के बराबर होगा, कुछ भी रहे इसलिए लिखा हूँ, ठीक। रिलेटिव वेलोसिटी होती है बी वन माइनस बी टू, तुम कहोगे भैया रिलेटिव डेंसिटी तो जीरो है, डायमेंशनलेस है, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी क्यों है, रिलेटिव वेलोसिटी होती है बी वन माइनस बी टू, और रिलेटिव डेंसिटी होती है किसी के रिस्पेक्ट में रो टू अपॉन रो वन, तो दोनों डेंसिटी होता है तो डायमेंशनलेस आता है, और रिलेटिव वेलोसिटी होती है बी वन माइनस बी टू, यानी कि डायमेंशनलेस के अंदर तो होगा ही होगा। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसको थीटा बोलते हैं, थीटा बोलते हैं एंगल, एंगल डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, लेकिन यूनिट होता है, जैसे प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, अभी जस्ट ऊपर बताया हूँ, ठीक। ओमेगा हमारा एंगुलर वेलोसिटी, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा अपॉन टी, थीटा हमारा क्या था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था, तो यानी टी पे इन्वर्स हो जाएगा, ठीक। और अल्फा इज इक्वल टू होता है ओमेगा अपॉन टी, थीटा तो डायमेंशनलेस है, तो वन अपॉन टी हुआ ना, ये टी इनवर्स हो गया, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन टी, यानी एंगुलर एंगुलर एक्सेलरेशन, तो ओमेगा का वैल्यू टी इनवर्स था पहले से, ये ऊपर जाएगा, टी इनवर्स टी माइनस टू हो जाएगा। ग्रेडियंट को क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट होता है चार चेंज पर यूनिट लेंथ, ग्रेडियंट जो होता है किसी भी चेंज में पर यूनिट लेंथ कर दो तो ग्रेडियंट आ जाएगी। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ इक्वल टू के बाई एल, के एल इनवर्स हो जाएगा। वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है वी बाई एल इक्वल टू एल टी माइनस वन अपॉन एल, ये टी माइनस वन हो जाएगा। काइनेटिक्स का क्वेश्चन देखो, काइनेटिक्स के कैसे पूछे जाते हैं, तो डिस्टेंस होता है हमारा या तो हमेशा वो बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से, और या तो बराबर होगा, यानी डिस्टेंस हमेशा बड़ा या बराबर होगा। बराबर कब होगा, जब तुम स्ट्रेट लाइन में गए, यानी यहाँ से अपने घर के बाहर तक गए 20 मीटर और वहीं रुक गए, तो डिस्टेंस भी उतना ही है, डिस्प्लेसमेंट भी उतना है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सबसे छोटा डिस्टेंस, जैसे ऐसे ऐसे गए डिस्टेंस है, यहाँ से ले गए तो डिस्प्लेसमेंट है। सर्कुलर पाथ में तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगा। सर्कुलर पाथ में डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो तुम करोगे टू आर साइन थीटा बाई टू। डिस्टेंस पूछेगा तो डिस्टेंस इक्वल होता है आर्क, जितना आर्क बनाता है उतना डिस्टेंस होता है, तो थीटा इंटू रेडियस हो जाएगा। थीटा को हमेशा रेडियन में रखेंगे, और थीटा को रेडियन में रखने के लिए क्या करेंगे, डिग्री से
रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए उसको पाई अपन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर्मूले याद करते जाना, अभी 5 मिनट का तुम्हें ब्रेक दूंगा, तुम फॉर्मूले याद करके आना, ठीक है, तभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 2r sin θ/2, डिस्प्लेसमेंट मतलब ये सर्कल है, यहाँ से यहाँ चला गया बेचारा, ये थीटा था तो 2r sin θ/2 हो गया, समझे। और ये आर्क जो होता है ये थीटा माने डिमांड, यहाँ से यहाँ गया तो ये पूरा डिस्टेंस हुआ, आर्क होगा हमारा तो वही डिस्टेंस होगा, तो डिस्टेंस कट हो जाएगा आर्क इंटू रेडियस, तो थीटा मारा रहेगा रेडियन में, ठीक। तो डिग्री को रेडियन मल्टीप्लाई करने के लिए पाई बाई 180 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। वेलोसिटी कट होता है v sin θ/2 / θ/2, तो यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला यहाँ लिख दिया मैंने, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v sin θ/2 / θ/2, डेल्टा वी अगर निकाल रहे हो, चेंज वी निकाल रहे हो, तो क्या हो जाएगा 2v sin θ/2 हो जाएगा डायरेक्ट। और एक्सीलेशन तुमने निकाला एवरेज एक्सीलेशन, तो v² / sin θ/2 / θ/2, ये तुम्हें अभी तक तो नीट में नहीं पूछा गया, लेकिन IIT में और पीछे KMS में इसके कॉन्सेप्ट का यूज किया गया है, ठीक है। तो सर्कुलर पाथ के लिए ये फॉर्मूले याद रखना, पहला याद रखना और दूसरा ये डिस्टेंस को थीटा इनटू रेडियस, और ये तीसरा वेलोसिटी और ये एक्सीलेशन, ठीक। एवरेज स्पीड देखो क्या होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपन टाइम। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, तो टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, ठीक। लेकिन एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, देखो स्पीड हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो हाँ, एवरेज स्पीड अगर टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम, यानी कि डेल्टा आर अपन डेल्टा टी। डेल्टा आर क्या हो जाएगा, आर फाइनल में से आर इनिशियल घटा दो और टी फाइनल में से टी इनिशियल घटा दो, तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम, ठीक। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होती है, हम लोग क्या करते हैं, वी इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम बोलते हैं वी इंस्टेंटेनियस मोड में, और किसी भी वेक्टर का मोड जब निकालते हैं, जब तुम्हें वेक्टर पढ़ाऊंगा अगले मतलब 2D में, तो मैं बताऊंगा किसी का भी अगर मोड हो तो उसका निकालेंगे, तो रूट में हो जाता है vx² + vy² + vz². तो अभी के लिए बस याद रखो, जब 2D पढ़ाऊंगा तो उसमें एक टॉपिक है ना तुम्हारा वेक्टर, उसको पढ़ा दूंगा, ठीक। तो टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम हो गया। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी, अगर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो एवरेज वेलोसिटी मे और मे नॉट भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर हो भी सकती है, हो भी नहीं सकती है। टाइम एवरेज स्पीड मान लो दे रहा है कि 10 सेकंड में उसने 25 मीटर चला, फिर 20 सेकंड में उसने 10 मीटर चला, फिर 30 सेकंड में उसने 5 मीटर चला, तो कह रहा है वी एवरेज बता दो। तुम देख रहे हो कि टाइम एवरेज स्पीड है, तो v1t1 + v2t2 + v3t3 ठीक। तो ऐसे करके वी एवरेज निकाल सकते हो, क्योंकि डी और डी तो जो बीच में है वो कट जाएगा। या फिर अगर टाइम इंटरवल ही सेम हो गया, यानी कि कह रहा है कि 10 सेकंड में वो 5 मीटर चला, फिर 10 सेकंड में वो 10 मीटर चला, फिर 10 सेकंड में वो 40 मीटर चला, तुम देख रहे हो 10 10 10 का इंटरवल आ रहा है, तो जितना भी वेलोसिटी होगी उतना अपन एन कर देंगे। जैसे मान लो यहाँ पर 3 वेलोसिटी थी, तो v1 + v2 + v3 अपन 3 कर दिया, अगर बहुत सारी वेलोसिटी होगी तो v1 + v2 + vn तक ले जाके अपन एन कर देंगे। तो ये क्या होता है, डायरेक्टली हम क्या निकाल, एवरेज निकालना है, अर्थमेटिक मीन निकालना है, बस वही लिखा मैंने। अगर डिस्टेंसेस इक्वल हो, अभी तक तो क्या था टाइम, ये सारे ट्रिक हैं, ठीक है, या तो इससे निकालो लंबा पड़ेगा, छोटा फॉर्मूला पर ट्रिक से। अगर टाइम इंटरवल हमारे सेम हो, इफ ऑल द टाइम इंटरवल से, मैंने कि बता दिया ना इसको, अगर डिस्टेंसेस सेम हो, कह रहा है कि 5 सेकंड में 10 मीटर चला, फिर 20 सेकंड में 10 मीटर चला, फिर 40 सेकंड में 10 मीटर चला, तो फॉर्मूला होगा d1 + d2 / d3 / v1 d1 + v2 / d2 + v3 d3। लेकिन इसको जब जनरल फॉर्मूला लिखोगे, जैसे इसको लिखे, तो ये हो जाएगा n अपॉन 1/v1 + 1/v2 + 1/v3 + 1, ऐसे करके 1/vn तक। लेकिन तुमसे आज तक बस एक ही क्वेश्चन पूछा गया, दो वेलोसिटी मतलब दो इक्वल डिस्टेंस दे देगा, तीन इक्वल डिस्टेंस दे देगा, बस उसी के क्वेश्चन पूछा गया। तो अगर v1 और v2 है, दोनों बराबर है, नहीं v1 और v2 है और दोनों का डिस्टेंस बराबर है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा एवरेज का, 2v1 v2 / v1 + v2। अगर तीन है, जैसे v1 है, v2 है, v3 है, और उसका एवरेज वेलोसिटी पूछ लिया और कह रहा है कि 10 मतलब टाइम डिस्टेंस वाला जो इक्वल डिस्टेंस वाला हमारा सेम है, कवर है, तो हो जाएगा 3v1 v2 v3 / v1 v2 + v2 v3 + v3 v1। आसान करने का बहुत मतलब याद करने का बहुत आसान तरीका है, 3v1 v2 v3, ये तो ऊपर हो गया, v1 का v2 में v1 का v3 में v2 का v3 में, अरे a b का मल्टीप्लाई, फिर bc का मल्टीप्लाई, फिर ac का मल्टीप्लाई, यही किया यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारी हो गई एवरेज स्पीड और एवरेज वाली जो भी बात थी एक्सीलेशन वगैरह के बारे में, ठीक। अब आ जाते हैं मेन जो हमारा इक्वेशन होता है उसको देखते हैं। जैसे मान लो एक्स हमारा डिस्प्लेसमेंट है, तो जो इसका डिफरेंशिएशन होगा dx / dt टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब जो भी डिस्प्लेसमेंट है
उसका डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यानी dx बाई dt क्या होगा, वेलोसिटी होगा, और फिर वेलोसिटी का जो हम लोग डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो वो dv बाई dt आता है, एक फॉर्मूला और बन के आता है v dv बाई dx, यानी कहीं पे वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन है ना, x पोजीशन, यानी वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन अगर कहीं चेंज हो रहा है तो v में मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा एक्सीलेशन आता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का डिफ्रेंसिएशन वेलोसिटी, वेलोसिटी का डिफ्रेंसिएशन एक्सीलेशन, और एक्सीलेशन का एक फॉर्मूला और होगा v dv बाई dx, ठीक है। लेकिन अगर तुमको एक्सीलरेशन से वेलोसिटी बनाना है तो इंटीग्रेशन करो, वेलोसिटी से एक्स बनाना है तो इंटीग्रेशन करो, यानी कि इधर से इधर जाओ तो डिफरेंशिएशन करो, यहाँ से आ जाओ तो इंटीग्रेशन करो। और डिफरेंशिएशन थोड़ा सा तो मैं सिखा देता हूँ, मान लो एक्स पावर एन है तो उसका वैल्यू हो जाता है एन एक्स एन माइनस वन, ये हमारा डिफरेंशिएट हो गया। तो मान लो टी पे पावर थ्री है तो क्या होगा, थ्री जो हमारा पावर है, जो पहले पावर था पहले आगे आएगा तो थ्री हमारा आगे आ गया, टी और n माइनस वन होता है यानी कि जितना 3 था उसमें से घटा दो, यानी कि 3t 3 माइनस वन तो 3t स्क्वायर ये हो जाएगा, ये डिफरेंशिएशन। जैसे एक और देखो 6t पे पावर 4 है तो कांस्टेंट, तो कांस्टेंट बाहर ही रहेगा, t पे पावर 4 है तो 4 पहले क्या आता है x पावर n है तो n हमारा पहले आ गया था तो 4 हमारा पहले आ गया, फिर x में से n माइनस वन कर देते हैं तो यहाँ पर भी t में से n माइनस वन 4 माइनस एक करेंगे तो ये आ जाएगा 24t³। छोटा सा डिफरेंशिएशन सिखा दिया मैंने। इंटीग्रेशन देखो, इंटीग्रेशन अगर x का करोगे तो हो जाएगा x n पे पावर n प्लस वन अपन n, यानी x पे पावर n प्लस वन अपन n, जैसे 60 स्क्वायर है तीसरा करोगे तो क्या हो जाएगा 60 स्क्वायर dt, तो 60 स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ऊपर देखो, ऊपर देखो n प्लस वन, n का वैल्यू 2 है तो हो जाएगा 6t प्लस 3, 2 प्लस वन 3 अपन नीचे n यानी 2 प्लस वन 3, तो 60 क्यूब अपन 3 यानी 2t³, ठीक है। अगर एक्सीलरेशन और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड हमारी बढ़ेगी, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड हमारी घटेगी, ठीक। एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, कहीं पर जैसे एक्स था वी था टी था, तो इसका जो ग्राफ बनेगा ना, इसका जो एरिया होगा, जो इसका एरिया होगा क्या देगा, एरिया क्या होता है, एरिया मतलब इंटीग्रेशन, जैसे इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन मतलब होता है छोटे 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 टुकड़ों को मिला के एक बड़ा चीज़ बनाना, ठीक है। तो इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, बड़े को लेकर छोटा 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 बना देना, ठीक। तो यहाँ पे तुम देख रहे होगे कि अगर तुम इंटीग्रेट कर रहे हो यानी कि एरिया बढ़ा रहे हो तो इंटीग्रेशन से क्या आता है, एक्सीलरेशन से आता है वेलोसिटी, वेलोसिटी से आता है तो टाइम एक्स। तो यहाँ पे तुम देख लो कि यहाँ पे दे रहा है वी टी ग्राफ का, तो एक्स वी टी वी टी ग्राफ का इंटीग्रेशन क्या देगा, यानी पीछे की तरफ, यानी कि एरिया दे, यानी कि डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस देगा, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस देगा, क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन हो रहा है, एरिया बढ़ रहा है ना, देख लो एरिया वी टी ग्राफ है, तो जब इसका एरिया निकालोगे एक्स बी ए टी इन दोनों का एरिया, इसका क्या देगा, इंटीग्रेशन उल्टा चलता है ना पीछे की तरफ, तो हो जाएगा पोजीशन, यानी कि डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट देगा। और बी टी ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या देगा, एक्सीलरेशन, स्लोप का मतलब क्या होता है यार, देखो एक्सीलरेशन डी बी टी एक्स डी बी सॉरी एक्स डी एक्सीलरेशन क्या है, हाँ ठीक है, देखो एक्स है बी ए एक्सीलरेशन है, ठीक है। तो कह रहा है वी टी ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या देगा, एक्सीलेशन देगा, जाहिर सी बात है यार, स्लोप स्लोप मतलब क्या होता है, ये तो होता है डी बी बाई डी एक्स जो कर रहे हो, डी टी बाई डी एक्स जो कर रहे हो, ये तो स्लोप निकाल रहे हो। तो जो वी टी ग्राफ का एरिया होगा वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देगा, जो वी टी ग्राफ का स्लोप होगा वो एक्सीलेशन देगा। बस इतना याद रखो, अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तुम्हें सारी चीज़ें अपने आप आ जाएंगी, ठीक है। थोड़ा सा तेज चलूंगा, देखो यार आधे घंटे में तो थ्योरी लग जा रही है, नहीं तो अभी मुझे कराना अपने तरीके से तो 5-10 मिनट में कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। अगर ये देखो कह रहा है कि ये भी है, कह रहा है कि कोई भी गाड़ी है पहले अल्फा मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सीलरेशन से आगे बढ़ती है, फिर बीटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर के डिटार्डेशन से पीछे आती है, तो बताओ बी मैक्सिमम क्या होगी, तो बी मैक्सिमम हो जाती है अल्फा बीटा अपन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, और डिस्टेंस क्या हो जाती है, डिस्टेंस होती है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इक्वेशन जानते हैं यू हमारा जीरो है तो हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर, तो हाफ और ए का वैल्यू क्या हो जाएगा अल्फा बीटा अपन अल्फा प्लस बीटा, यही तो है। अरे कहाँ से निकला है, बी स्क्वायर होता है यू प्लस ए टी, यहाँ पे यू जीरो है क्योंकि यहाँ पे ना यू जीरो हो गया तो बचेगा ए इंटू टी, तो एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन हमारा एक्सीलरेशन की वैल्यू ही है अल्फा बीटा अपन अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ से वी मैक्स निकल गया, यहाँ से एस निकल गया, और बी एवरेज अगर पूछ लेगा तो बी मैक्स बाई टू कर देना, ठीक है। कह रहा है कि बी यू पॉइंट पे बी ए वेलोसिटी है, बी पॉइंट पे बी यू बी वेलोसिटी है, तो कह रहा है कि मिड पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी होगी, तो मिड पॉइंट पे वेलोसिटी हो जाएगी बी का स्क्वायर प्लस यू का स्क्वायर अपन टू, सिंपल सी बात है। अब देखो रॉकेट बैलून वाले प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, उसको अगर इक्वेशन सॉल्व करो बहुत लेंदी कैलकुलेशन पड़ेगा,
रॉकेट बैलून का सिंबल मतलब हुआ कि देखो ये इसका ग्राफ बनता है रॉकेट बैलून का, बस इतना याद रखना कि ग्राफ बनता है, ठीक है। अब देखो ए से बी में क्या होता है, ए से बी तक अपने फ्यूल की वजह से सेलेक्ट होती है वो रॉकेट, यहाँ पे फ्यूल खत्म हो गया, अभी भी उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी रहेगी, उसके पास क्या हो रिटार्डेशन होना स्टार्ट होगा क्योंकि वो आगे बढ़ना चाहेगा और नीचे हमारे जी उसको घटाएगी, तो इधर रिटार्डेशन होगा, यानी बी से सी तक, बी से सी तक क्या हमारा ग्रेविटी का रिटार्डेशन है। तो और जो ये एरिया तुम निकालोगे ए बी सी का एरिया, यानी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ट्रायंगल है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये हमारा मैक्सिमम हाइट देगा, ये हमारा क्या देगा मैक्सिमम हाइट देगा, हाइट हमारा क्या है और ये हमारा क्या मैक्सिमम हाइट देगा इसका एरिया, ठीक। और सी ओ डी क्या है, अब हमारे पास रिटार्डेशन की वजह से क्या होगा डाउनवेटेड एसलेटेड, ये एसलेटिंग होनी नीचे और गिरना स्टार्ट हो जाएगा सी से डी के बीच में, और डी हमारा क्या है जहाँ पे वो ग्राउंड पे आकर टकरा देगा, ठीक। तो इसका एरिया निकाल दोगे तो मैक्सिमम हाइट मिल जाएगी, ठीक है। बाकी तो अपना क्वेश्चन के हिसाब से ये बी ओ टी है तो एक्सलेशन होगा यहाँ पे, तो एक्सलेशन दे देगा हाफ, मतलब सब कुछ दे दिया जाएगा, तुमसे एक एक चीज़ पूछता रहेगा, इससे क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क के पीडीएफ में मिलेगी, आज से तुम्हें पीडीएफ में मिलना स्टार्ट होगी 20-20, 25-25 क्वेश्चन की, क्योंकि तुम लोग कह रहे हो क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें। स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस एस होता है वो यू स्क्वायर अपन टू ए के बराबर, क्योंकि बी स्क्वायर इक्वल टू होता है यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, तो स्टॉपिंग जब होगा तो बी जीरो हो जाएगा, तो एस हो जाएगा क्या यू स्क्वायर अपन टू ए, एक्सलेशन क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा बस। अगर एरिया कांस्टेंट है तो यू स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस होगा यहाँ से, और यू स्क्वायर डायरेक्टली प्लस टू एस अपन मास, यानी अगर मास दिया है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास कर दो, नहीं तो यू स्क्वायर डायरेक्टली प्लस टू एस ही रहेगा। अगर स्पीड को एन टाइम्स बढ़ाओगे तो डिस्टेंस एन स्क्वायर टाइम्स बढ़ेगा, स्पीड को अगर एन टाइम्स बढ़ाओगे तो डिस्टेंस कितना टाइम बढ़ेगा एन स्क्वायर, यानी स्पीड को तुमने 10 से 20 कर दिया तो दो गुना बढ़ गया, तो डिस्टेंस हमारा 4 गुना बढ़ जाएगा। बुलेट प्लैंक, बुलेट प्लैंक में क्या होता है कि ऐसे अभी जेएमएस में क्वेश्चन आया था कि इतने सारे सीट थे, बुलेट मारी कितना प्लैंक को तोड़ देगा, वो कितना प्लैंक क्रॉस करेगा, तो तुम अगर नॉर्मल मेथड से लाओगे लेंदी बढ़ जाएगी। ट्रिक तुम्हें याद होनी चाहिए कि एन का जो वैल्यू होता है नंबर ऑफ प्लैंक का यू स्क्वायर अपन यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, जहाँ पे यू स्क्वायर अपन यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू होगा कैसे लिखोगे, अगर 1/20 लिख दिया तो जो हमारा यू होगा वो 20 होगा और जो बी होगा ना उसमें से एक घटा दो, यानी यू में से एक घटा दो तो उतना आ जाएगा, यानी कि 1/20 में जो यू होगा वो 20 होगा और जो ये भी होगा वो 20-1 यानी कि 19 का स्क्वायर होगा, ठीक। सिंपल सी बात है, जैसे 50 हुआ 1/50 हुआ तो यू तो हमारा 50 हो जाएगा और भी हमारा क्या हो जाएगा, भी हमारा क्या हो जाएगा 50-1 यानी कि 49 हो जाएगा इस फॉर्मूले में। या डायरेक्ट अगर ये फॉर्मूला याद करो एन स्क्वायर अपन टू एन माइनस वन, तो जो भी हमारा 1/20 है एन की जगह उसको 20 कर दो, 1/50 है तो एन की जगह कर दो 50 रख दो, ये डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक। दूसरी चीज़, अगर टाइम एज ए फंक्शन ऑफ एक्स दिया, यानी इस एलएचएस में टाइम है और इधर दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स क्यूब ऐसे करके, यानी टाइम फंक्शन किसका है एक्स का, तो एक्सलेशन अगर पूछेगा तो तुम क्या करोगे डबल डिफरेंशिएशन ऑफ टी, जो भी टाइम का इक्वेशन रहेगा उसको दो बार डिफरेंशिएट कर देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे और वेलोसिटी के क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका एक्सलेशन होता है। ये ट्रिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है जेई मेंस में, एलएन हर मतलब हर जगह पूछा जाता है ये। तो अगर टाइम नीट में पूछा है, अभी दिखा रहा हूँ, टाइम अगर फंक्शन ऑफ एक्स है तो एक्सलेशन क्या हो जाएगा माइनस ऑफ डबल डिफरेंशिएशन ऑफ टी इंटू बी, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन किया फिर से डिफरेंशिएशन किया। अगर कहीं पे लिखा है मैक्सिमम स्पीड तो उसका मतलब होता है डीबी बाई डीटी क्या है जीरो है, अगर स्पीड ग्रेटर देन मतलब वेलोसिटी है तो यहाँ पे एवरेज स्पीड भी वी एवरेज से ज़्यादा ही होगी या बराबर होगी। बराबर कब होगी जब स्ट्रेट लाइन में होगा, तो बराबर कब होगी जब स्ट्रेट लाइन में होगा, तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो वेलोसिटी होती है हमेशा एवरेज वेलोसिटी होती है हर एक इंस्टेंट पे, और ये कुछ ग्राफ है, यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट होती है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो हमारा डिस्टेंस क्या होगा। ऐसे देखो यूनिफॉर्म मोशन है तो सबसे पहली पहचान क्या है वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब वी और टी ग्राफ ऐसे, तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है यानी वी और टी अगर ऐसे है तो ये हमारा एस और टी और एक्सीलरेशन और टी बना हुआ, एक्सीलरेशन तो जीरो हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो जीरो हो जाएगा, लेकिन ये हमारी क्या होगी ये ग्राफ ऐसे बनेगी, यानी इसका जब करोगे डिफरेंशिएशन तो ऐसा ग्राफ बनेगा, इसका बनोगे जीरो बनेगा, ठीक है। तो वी टी ग्राफ ऐसे बनेगा, एस टी ग्राफ ऐसे बनेगा, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मतलब एक्सीलरेशन है यूज मतलब वी और टी, एक्सीलरेशन हो रहा है यानी कि एक्सीलरेशन ऐसे जाएगा जीरो, देखो लिखा है यूज का टू जीरो से तो ऐसे जीरो जाएगा, तो ऐसा हमारा कैसे बनेगा ऐसे बनेगा, ठीक है। अगर भी जीरो नहीं है तो यहाँ से जाएगा तो ऐसा हमारा भी ऐसे बनेगा, अगर डिमोटिवेशन डिग्रेडेशन या रिटार्डेशन हो रहा है तो ऐसे जीरो बनेगा और ये हमारा कैसे बनेगा ऐसे बनेगा, यानी कि जो अगर आप पहले ऐसे बनता था अब ऐसे बनेगा, बस सिंपल सी बात है। मतलब कि अगर पहले ग्राफ ऐसे बन रहा था बी टी का, तो अगर एक्स टी का ग्राफ ऐसे बन रहा था तो अब अगर ग्राफ उसका ऐसे बनेगा तो इसे अगर आप करेंगे उल्टा बनेगा इसके, बस ऐसे बन जाएगा। और इनफॉर्मली रिटार्डेड देन एक्सीलरेटेड मतलब कि पहले आके उसने
उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, लेकिन अभी दूसरे वाले केस में वेलोसिटी जीरो नहीं हो रही और नीचे जा रहा है, तो उसका ग्राफ ऐसे बनेगा। तो पहले साइड का ग्राफ अगर ऐसे बनना, दूसरे साइड ग्राफ ऐसे बनेगा, यानी पूरा हमारा क्या सर्किल हो जाएगा, हाफ सेमी सर्कल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फाइनल चीज लिखी हुई है रेटी ग्राफ है, तो उसका स्लोप ए टी ग्राफ का देखो, एक्स टी ग्राफ, बी टी ग्राफ, ए टी ग्राफ, इसका जब डिफ्रेंशिएशन करोगे, ठीक है, तो बी वेलोसिटी आएगी, इसका डिफ्रेंशिएशन करो एक्सीलेशन आएगा। तो एक्सीलेशन का अगर स्लोप निकालोगे, स्लोप का मतलब होता है डिफ्रेंशिएशन, तो एक्सीलेशन का स्लोप निकाल पे क्या कुछ आएगा, कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। ठीक है, बी टी का स्लोप निकालोगे तो क्या आएगा, एक्सीलेशन। तो यहाँ पे देखो लिखा हूँ बी टी का स्लोप होगा एक्सीलेशन देगा। एक्स टी का स्लोप यानी एक्स टी का स्लोप निकालोगे तो क्या आएगा, इसका स्लोप निकालोगे तो क्या आएगा, बी टी आएगी, नहीं वेलोसिटी आएगी। यानी ए टी के ग्राफ में स्लोप नहीं होता है, बी टी ग्राफ में स्लोप होता है एक्सीलेशन के बराबर, एक्स टी ग्राफ में स्लोप होता है वेलोसिटी के बराबर। ठीक है, यहाँ पे एरिया हो जाएगी डेल्टा बी, बी फाइनल मास बी इनिशियल, ए वन मास ए टू, ए वन मास ए टू क्यों, क्योंकि ए हमारा पॉजिटिव में है और ए टू हमारा नेगेटिव में। बी टी ग्राफ में जो एरिया होगी, देखो फिर बनाता हूँ मैं, एक्स टी, देखो एक्स टी, बी टी, ए टी, बी टी ग्राफ का एरिया क्या देगा बेटा, बी टी ग्राफ का एरिया, क्या एरिया मतलब इंटीग्रेशन, एरिया मतलब इंटीग्रेशन मतलब पीछे जाएगा, यानी क्या देगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस कब देगा, जब डिस्टेंस अगर पूछेगा तो ए वन प्लस ए टू, यानी एरिया को जोड़ दो, उसको फर्क ही नहीं पड़ता कहाँ से गए, बस उसको डिस्टेंस मतलब है। डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो प्लस में से माइनस करना पड़ेगा, प्लस माइनस यानी ए वन माइनस ए टू। एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी ए वन माइनस ए टू अपन टी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम होती है, और एवरेज स्पीड हो जाएगी ए वन प्लस ए टू अपन टी, यानी डिस्टेंस अपन टाइम होती है। ठीक, एक्स टी का कोई स्लोप वेलोसिटी देगा, एरिया उसका होता नहीं है, क्योंकि एक्स टी का, बी टी का, ए टी का, इसका एरिया क्या होगा, इधर जाओगे कुछ है, कुछ नहीं है। अगर बी टी ग्राफ है तो स्ट्रेट लाइन अगर है तो एक्सीलेशन यूनिफॉर्म होगा, एक्स टी अगर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी जीरो है, एक्सीलेशन जीरो है, फोर्स जीरो है, क्योंकि अगर एक्स टी ही कांस्टेंट हो गया तो वेलोसिटी जीरो आ गई, तो एक्सीलेशन अपने आप जीरो होगी, फोर्स भी जीरो होगी। अगर बी टी कांस्टेंट हो गया तो एक्सीलेशन जीरो होगी, फोर्स जीरो, यानी कि एक्सीलेशन वेलोसिटी का कांस्टेंट होने का मतलब होता है वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, यानी कि एक्सीलेशन जीरो है। ठीक है, तो ये हमारी थियरी हो गई। अब तुम ले लो 10 मिनट का ब्रेक ले लो और सारे पॉइंट जो मैं समझाया हूँ एक बार और पढ़ के तब आओ। ठीक है, ऐसे मत आना बिना पढ़े, एक बार पढ़ के ही आना। ठीक, तो मिलते हैं अभी 10 मिनट के बाद। ठीक, तो आई होप कि सब लोगों ने फॉर्मूले याद कर लिए होंगे, जो जो बताया हूँ एक बार फिर से रिपीट कर लिया होगा। अब आ जाओ क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल है, तो मैंने अभी तुम्हें बताया कि जितने भी एंगल होते हैं वो सब क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं, जितने भी नहीं मतलब जो एंगल होगा ना, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, इसी का तो मैंने एग्जांपल देकर पढ़ाया भी है, एनसीईआरटी में भी यही है। तो क्या होता है, डायमेंशन लेस होते हैं, बट उनके पास यूनिट होती है, जैसे प्लेन एंगल की रेडियन और सॉलिड एंगल की स्टेरेडियन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला यूनिट बट नो डायमेंशन, यूनिट बट नो डायमेंशन। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखो, कह रहा कि अगर ई और जी, ई हमारा एनर्जी है और जी हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो ई बाई जी क्या होगा। मुझे एक चीज़ बताओ, अभी मैंने तुम्हें जस्ट कुछ टाइम पहले एनर्जी का बताया था, क्या होता है एनर्जी इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू इनटू एल, यानी कि एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एनर्जी हो गया। अब आ गया जी, अब तुम कहोगे भैया जी का कैसे निकाले, तो मैं बोलूँगा कोई ऐसा फॉर्मूला याद करो जिसमें जी हो, या एनर्जी के साथ जी हो या फोर्स के साथ जी हो। तो तुम कहोगे भैया ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला, तो वहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू होता है जी एम वन एम टू अपान आर स्क्वायर, तो जी हो जाएगा एफ आर स्क्वायर अपान एम वन इंटू एम टू। तो कहोगे फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, तो एम एल टी माइनस टू होगा, क्योंकि मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, मास का होता है एम और एल टी माइनस टू एक्सीलरेशन का, इंटू आर का स्क्वायर, आर का रेडियस का क्या होता है लेंथ होता है, एन एल का स्क्वायर अपान एम वन इंटू एम वन का क्या होगा एम होगा, एम टू क्या होगा एम होगा, तो हो जाएगा एम एल पे पावर फोर टी पे पावर माइनस टू एम का स्क्वायर, यानी कि एम पे पावर माइनस वन ऊपर जाएगा ना माइनस टू, एल पे पावर फोर फोर होगा, एल पे पावर थ्री होगा ना, एल पे पावर थ्री होगा, एल पे पावर थ्री, तो हो जाएगा एम माइनस वन एम माइनस वन एल का क्यूब टी पावर माइनस टू, ये जी आ गया। अब कह रहा है ई वाई जी, तो कितना आसान सा चीज़ बचा है, ई वाई जी क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू अपान जी एम पे पावर माइनस वन एल का क्यूब टी पे पावर माइनस टू, माइनस टू से माइनस टू खत्म हो जाएगा, ये बचेगा एम ऊपर जाएगा एस स्क्वायर हो जाएगा एल पे पावर माइनस वन हो जाएगा टी पावर जीरो हो जाएगा, एम एल स्क्वायर कहाँ गया, नहीं लिखाऊँ क्या मैं, एम एम स्क्वायर एल माइनस वन टी जीरो, सही है, बिल्कुल सही आंसर है, एम स्क्वायर एल माइनस वन टी जीरो।
देखो एक एक चीज़ मैं समझा नहीं रहा हूँ, क्योंकि अब दो लेक्चर पढ़ाने के बाद भी ये चीज़ तुम्हें आ जानी चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता है एनर्जी का क्या, एनर्जी का फॉर्मूला बता दिया मैंने, जी का डायमेंशन कैसे निकालना है मैंने बोल दिया ना, फोर्स और एनर्जी से कोरिलेट कर लो कोई भी ऐसा फॉर्मूला, वहाँ से सबसे आसान देखो निकल गया आराम से। ये क्वेश्चन देखो दिया है, फोर्स एरिया और टाइम है, चूजन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, क्या होगा डायमेंशन एनर्जी का। तो मैंने बोला था किसी का भी डायमेंशन किसी अन्य के फॉर्म में अगर पूछा तो उसको MLT से कंपेयर कर दो। किससे कंपेयर करोगे, MLT से कंपेयर कर दो। तो हमारे दिया एनर्जी, तो एनर्जी का हमको किसके टर्म निकालना है, फोर्स के, एक्सीलेशन के और टाइम के। ध्यान से सीखना, ध्यान से सीखना, बार बार ये चीज़ें काम आएंगी। तो हमको निकालना है एनर्जी का, तो एनर्जी का बताओ क्या होता है, कहोगे भैया एनर्जी का होता है ML² T - 2 डायरेक्टली इक्वल टू, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सीलेशन, मास इंटू एक्सीलेशन, तो मास का हो जाएगा ML T - 2। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये हो जाएगा इसको मान लो ए, कोई दिक्कत नहीं। अरे इस पर पावर, जिस पर भी पावर रहेगा कुछ, एक्सीलेशन का फिर से होता है LT - 2, इसको मान लो बी, कोई दिक्कत नहीं। और टाइम का तुम्हें मान लो सी, पता ही है टाइम का टी होता है। तो अब तुम एक चीज़ देखो यहाँ पे, हमें ध्यान से देखना है, एक क्वेश्चन से समझा रहा हूँ फिर उसी सारे क्वेश्चन लगाऊंगा। जो हमारा एनर्जी है वो F into A into T, मैंने बोला था ना किसी भी अनोन का पूछेगा तो MLT के फॉर्म में उसको इक्वेट करना। तो एनर्जी का फॉर्मूला MLT के फॉर्म में ML² T - 2 होता है, फोर्स का MLT के फॉर्म में क्या होगा, वहाँ ML T - 2, एक्सलेशन का होता है LT - 2 और टाइम का होता है T। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये A और B और ये C क्यों लाए, क्योंकि इस पर भी कुछ पावर है तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ पावर होगी, पावर को ही इक्वेट करते हैं। ठीक, अब चेक करो ML² T - 2 डायरेक्टली पर्सनल टू एम पे पावर, रुक जाओ ऐसे लिख रहा हूँ, एम पे पावर ए एम इंटू ए, एल पे पावर ए एल इंटू ए और टी पे पावर -2 पावर, यानी कि टी पे पावर -2। ये हो गया, इस पे देखो एल पे पावर बी, टी पे पावर -2b, कोई दिक्कत नहीं हुई, और टी पे पावर सी। तो देखो एम पे पावर ए है, कोई दिक्कत नहीं है, एल पे पावर ए भी है, बी भी है, तो एल पे पावर ए प्लस बी, सी ML T, ठीक है देख लो, टी पावर कितना है, पहले है -2 है, कोई दिक्कत नहीं है, ML T - 2 सही तो है हमारा, गलती कहाँ हो रही, ML T - 2 है, ठीक है। क्यों M पे A लिख दिया मैंने, L पे भी A रहेगा, ये क्या लिख दूँ, टी पे पावर -2 है, सही है, वेट करो माइनस कहाँ से आ गया, L पे पावर B होगा, 2 पे पावर T पे पावर -2, यहाँ सही है, तो M पे पावर ए हो गया, L पे पावर A प्लस 2B हो गया, T पे पावर -2A -2B प्लस C, टी पे पावर क्या है -2 यहाँ पे है तो इसको छोड़ दो, टी पावर -2A -2B और C प्लस C, -2B क्योंकि -2 × B है। ठीक, इक्वेट कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, देखो तो एम पे पावर 1 है, एल पे पावर 2 है, टी पे पावर -2 है, तो एम पे पावर 1 है, एम पे पावर ए, यानी ए का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। तो फोर्स पे क्या रहेगा, फोर्स पे रहेगा यानी ए रहेगा, एक रहेगा। बी का देख लो, ए प्लस बी एल है ना, एल पे क्या ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी का वैल्यू क्या है, 2 है, और ए का वैल्यू 1 है, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 2, तो बी इज इक्वल टू 1, यानी कि बी का वैल्यू भी 1 आ गया। इसका देख लो -2A -2B प्लस C इक्वल टू -T -2 है, क्योंकि यहाँ पे कितना है -2, तो A का क्या हो गया -2 हो गया प्लस C इक्वल टू हो गया -2, तो -4 प्लस C इक्वल टू -2, तो C इक्वल टू हो जाएगा +2, यानी कि C का वैल्यू 2, यानी कि जो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा बताओ, एनर्जी इक्वल टू F पे पावर 1 T पे पावर 2, ये हो जाएगा B। आई होप कि चीज़ें तुम्हें समझ में आ रही होंगी, ठीक है, और अच्छे समझा भी रहा हूँ, एक क्वेश्चन डिटेल में समझा दूँ, अब थोड़ा सा तेज कराऊंगा इन वाले क्वेश्चंस को। ठीक है, देखो कह रहे डायमेंशन ऑफ ML T - 2 A - 2 बिलोंग टू, बताओ किसका होगा। तो तुम्हें पहले मैग्नेटिक फ्लक्स, इंडक्टेंस, परमिटिविटी के बारे में आना चाहिए, तभी थोड़ा होगा अभी, और ये तुमने अगर इस सीरीज को फॉलो करो तो मैं मान के चल रहा हूँ तुम्हें ये आता नहीं हो, मुझे मालूम है तुम्हें आता है, बट ये मान रहा हूँ मैं कि नहीं आता, ठीक है, क्योंकि फिर मैं एक एक चीज़ को ऐसे लगवाते रहूँगा, तुम कहोगे भैया कहाँ से फॉर्मूला ला रहे हो, तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर बोलता हूँ मैग्नेटिक परमिबिलिटी। देखो कैसे, बी का फॉर्मूला होता है μ0 / 4π² / r² या
या आइडियल साइन थीटा अपन आर स्क्वायर, ठीक। या एक फॉर्मूला और पढ़ोगे तुमने, म्यू नॉट आई अपन टू आर, ये सेंटर पे होता है, किसी भी सेंटर पे, सर्कुलर वायर के सेंटर पे क्या होता है, इम्यूनिटी अपन टू आर। तो यहाँ से म्यू नॉट का वैल्यू यही होता है, पर मैग्नेटिक परमिटिविटी म्यू नॉट हो जाएगा बी इंटू आर अपन आई। तो मैग्नेटिक फील्ड का भी तुम्हें निकालना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड का कहाँ निकालोगे, देखो यहाँ पर बी था, यहाँ पे पाई था, तो पहले मैग्नेटिक फील्ड का भी निकालना पड़ेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का निकालो, फोर्स इक्वल टू बी आई एल से, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, सबको पुट करो, इसका आंसर है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। और ये क्वेश्चन तुम्हें कब करना चाहिए बता दे रहा हूँ, जब सारे क्वेश्चन तुम्हारे हो जाए, ठीक है, जब सारे क्वेश्चन तुम्हारे हो जाए इस चैप्टर के, तब तुम्हें ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, एक बार और तुम करोगे और आंसर तुम्हारा मैग्नेटिक परमिएबिलिटी आना चाहिए, ठीक है। चौथा देखो, कह रहा है कि द टाइम डिपेंडेंसी पी इजकल टू पी नॉट एक्स पी, ई एक्स पी का मतलब होता है पी इजकल टू पी नॉट ई पी पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। तो पी इजकल टू पी नॉट ई पी पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर, कह रहा है कि ए का वैल्यू क्या होगा, तुम्हें मालूम है ये इस अल्फा का वैल्यू क्या होगा, ये पूछ रहा है। मैंने क्या बोला था, कोई भी पावर हो, कोई भी पावर हो उसको वन के बराबर कर दो, तो अल्फा टी स्क्वायर इजकल टू वन हो जाएगा, तो अल्फा इजकल टू हो जाएगा वन अपन टी का स्क्वायर, तो अल्फा इजकल टू हो जाएगा क्या टी पी पावर माइनस टू, तो क्या होगा डायमेंशन क्या होगा टी पावर माइनस टू होगा। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तुम्हें यहाँ से एक कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। तुम्हें कह रहा है कि टर्पेंटाइन ऑयल है फ्लोइंग थ्रू द ट्यूब ऑफ लेंथ इतना इतना इतना, मुझे कोई मतलब ही नहीं है उसको, मुझे कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन से, मुझे मतलब है इस ईटा से और मुझे मतलब उसके डायमेंशन से, हमसे पूछ रहा है ईटा का डायमेंशन, मैं ये क्वेश्चन पढ़ूंगा ही नहीं, मैं पढ़ूंगा ही नहीं, क्योंकि ईटा एक क्वांटिटी है, उसका डायमेंशन चेंज तो होना नहीं है, तो ईटा का डायमेंशन कहीं भी होगा वो सेम ही होगा, तो मैं इतने बड़े फॉर्मूले को क्यों लगाऊं जब मुझे मालूम है फोर्स का लू क्या होता है सिक्स पाई ईटा आर भी, तो मुझे ये स्टोक्स लॉ होता है, ठीक है। तो मैं यही से ईटा निकाल देता हूँ, तो ईटा इजकल टू हो जाएगा फोर्स अपन आर वी, क्योंकि सिक्स पाई टू कांस्टेंट है ये खत्म हो जाएगा, तो फोर्स हो जाएगा एम एल टी माइनस टू, आर हो जाएगा एल, ये हो जाएगा एल टी माइनस वन, तो एल से एल खत्म हो जाएगा, तो बचेगा एम एल माइनस वन टी पे पावर माइनस वन, तो एम एल माइनस वन टी पावर माइनस वन, ये इसका आंसर होगा। और यही क्वेश्चन तुम्हें जेमेंस में मिलेगा, हर जगह मिलेगा, खूब बड़े बड़े इक्वेशन दिया हुआ, तुम कहोगे घंटा मुझे फर्क नहीं पड़ता इक्वेशन से, तुम कहोगे मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता इक्वेशन से, मैं अपना फॉर्मूला जानता हूँ, मैं इतना मुझे मालूम है फोर्स इक्वल टू सिक्स पाई ईटा आर भी होता है, और ईटा का जो भी आएगा डायमेंशन इतना ही आएगा, इसका डायमेंशन चेंज नहीं हो सकता, तो तुम फोर्स इक्वल टू सिक्स पाई ईटा आर भी इसने बात, क्या जरूरत है इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ने की। ये देखो कह रहा है कि इक्वेशन है इतना है बीटा पी प्लस ए बाई बी स्क्वायर इजकल टू बी थीटा अपन बी, प्रेशर है वॉल्यूम है, कह रहा है डायमेंशन आप ये बता दो, ए का डायमेंशन। मैंने तुम्हें बोला था अगर दो क्वांटिटी एडअप हुई हैं इसका मतलब दोनों का डायमेंशन क्या है सेम है, यानी पी प्लस ए बी स्क्वायर है, इसका मतलब ये हुआ कि पी इजकल टू ए अपन बी स्क्वायर होगा, क्योंकि दोनों का डायमेंशन क्या होगा सेम होगा। कोई भी दो क्वांटिटी ऐड कर दी जाती हैं घटाई जाती हैं कब, जब दोनों का डायमेंशन सेम होता है तब, यहाँ पे दोनों का डायमेंशन सेम हो जाएगा, तो यहाँ पर हमको ए का चाहिए, तो ए इजकल टू हो जाएगा पी इंटू बी स्क्वायर, प्रेशर पी पर प्रेशर दिया, प्रेशर इजकल टू होता है फोर्स अपन एरिया इंटू वॉल्यूम का स्क्वायर, वॉल्यूम है ना, ये वॉल्यूम है, तो फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू, एल एरिया का होता है लेंथ का स्क्वायर एल का स्क्वायर, और वॉल्यूम का होता है एल क्यूब, एक वॉल्यूम एल क्यूब, तो एल क्यूब का स्क्वायर कितना एल पावर सिक्स आएगा, तो हो जाएगा एम, ये हो जाएगा एम एल पे पावर माइनस वन इंटू टी पी पावर माइनस टू, और एल पे पावर सिक्स एल क्यूब इंटू टू है ना, एल पावर सिक्स हो जाएगा, तो एम एल पावर फाइव टी पावर माइनस टू हो जाएगा। आंसर देख लेता हूँ, दिखाई नहीं, एम एल पे पावर फाइव टी पावर माइनस टू होगा, एम एल पावर फाइव टी पावर माइनस टू। अगर कोई भी क्वेश्चन तो ऐसा लग रहा है मैंने गलती करा दिया हो तो मुझे जरूर ग्रुप में एक बार मेंशन कर देना, क्योंकि मैं क्वेश्चन तुम्हारे सामने ही सॉल्व कर रहा हूँ, हो सकता है कोई चीज स्लिप हो जाए माइंड से, और थोड़ा यार थक भी गया, वो दो वीडियो हो गई ना, ऑप्टिक्स वाली वीडियो अभी पूरी मतलब पी डी एफ बनाया हूँ, वेव ऑप्टिक्स की बनाया हूँ, ई एम वेव की बनाया हूँ, एक ही साथ इतना लोड पड़ गया आज। ये देखो फिर से वही क्वेश्चन, वेलोसिटी भी है इतना इतना इक्वेशन दिया है, ए बी सी का डायमेंशन पूछ रहा है, एक ही चीज़ तुम्हें कंसेप्ट बताया हूँ, अगर ए टी और बी और टी अपन सी अगर जुड़े हैं, देखो एक चीज़ देखो, टी और सी जुड़ा है ना आपस में, यानी सी का जो डायमेंशन होगा टी के बराबर, यानी सी का डायमेंशन टाइम के बराबर होगा, ठीक है, तो सी का डायमेंशन टाइम के बराबर होगा, पहला बी दूसरा ऑप्शन देखा, ये हमारा ऑप्शन होगा, यही हमारा आंसर होगा, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, और भी सॉल्व करना चाहिए तरीका, और देखो
बी इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी अपन सी, यानी कि बी जो होगा वो ए टी के बराबर होगा, और जो बी होगा बी अपन टी प्लस सी के भी बराबर होगा, और जो ए टी होगा वो बी अपन टी प्लस सी के बराबर होगा, और जो टी होगा सी के बराबर होगा। देखो कितना अच्छे बन रहा है इससे, क्योंकि ये तो इसके बराबर है ही, तो बी इक्वल टू ए टी भी होगा, बी इक्वल टू बी प्लस टी बाई सी भी होगा। ये दोनों लिख दिया मैंने, ये टी प्लस सी हमारे यानी दोनों जुड़ा हुआ है, यानी टी हमारा सी के बराबर होगा, और ये दोनों आपस में जुड़े हैं ए टी और बी अपन टी प्लस सी, यानी ये भी बराबर होंगे। इतना चीज़ों से तुम लिख सकते हो। तो यहाँ से पहले से वेलोसिटी का देख लो, पहले ए का पूछा ना, तो बी इक्वल टू क्या दिया ए टी, तो ए हो जाएगा बी अपन टी, यानी कि एल टी माइनस वन होता है इसका, और इसका टी होता है, तो हो जाएगा एल टी माइनस टू। देखो पहला इसका बी वाला ऑप्शन है, ठीक है, कुछ करना नहीं है, जो चीज़ तुम्हें बताया वही अप्लाई करना सिखा रहा हूँ, तो सीख लो। नई चीज़ें सीखने मतलब समझ में आ रही हैं, धीरे करके स्लो करके एक बार सीखो, उसके बाद भी ना आ रही हो तो मैं तो ग्रुप में हूँ, ग्रुप में डाल दूँ भैया ये चीज़ें नहीं आ रही हैं, मैं समझा दूँगा, ठीक। देखो बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, कह रहा है डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन द सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट इज 4 ग्राम, यानी कि सीजीएस में उसका यूनिट है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कह रहा है कि अगर सिस्टम ऑफ यूनिट बता दो जिसमें लेंथ क्या हो 10 सेंटीमीटर और यूनिट कितना हो मास ग्राम, तो मैं कहूँगा एक्स कितना ग्राम है 100 ग्राम अपॉन 10 सेंटीमीटर क्यूब, यही तो होगा। मैंने क्या बोला था कि जो N1U1 होता है, मैंने क्या बोला था N1U1 इसका टू N2U2 होता है, तो N1 हमारा क्या है 4 है, U1 क्या है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें, ठीक है। N2 क्या बताओ, N2 क्या है वही हमको निकालना, x है, और U2 क्या है यूनिट क्या है, यूनिट क्या दिया बताओ, ऊपर ग्राम है तो ऊपर ही तो ग्राम लिखोगा ना, तो यूनिट कितना दिया है 100 ग्राम, और यहाँ दिया 10 सेंटीमीटर, मैंने लिख दिया एक्स इज 200 ग्राम और 10 सेंटीमीटर का क्यूब, तो हो जाएगा 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू एक्स इंटू 100 ग्राम अपॉन 10 सेंटीमीटर का क्यूब। 10 सेंटीमीटर का क्यूब कितना हुआ 10 × 10 × 10 यानी 1000 सेंटीमीटर का क्यूब, तो ग्राम सेंटीमीटर क्यूब से ये कट जाएगा, तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा 4 × 1000 अपॉन 100 नीचे चला जाएगा, तो ये 0000 कट जाएगा, यानी कि 40 हो जाएगा, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है, बस 2 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, फिर एक बार और कराता हूँ, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर ये देखो 2016 में पूछा गया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लैंक कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट, न्यूटन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दिया है, और डायमेंशन ऑफ लेंथ पूछ रहा है। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत लेंथी कैलकुलेशन होगा इसका, उसके बाद सॉल्व करना। एक ट्रिक भी मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है, इसमें जैसे देखो चारों तुम्हें दिख रहे होंगे कि लंबे कैलकुलेशन होंगे, तुम एरर एंड चेक मेथड यूज करो, एरर एंड चेक यूज करो। तुम क्या करो, जी का वैल्यू निकालो, एच का वैल्यू निकालो, ठीक है, जी का निकाल दो और एच का निकाल दो, दोनों को रूट में रख के अपन सी वाई 3 × 2y कर दो, ऐसे चेक कर लोगे तो देख लो आया कि नहीं आया, मतलब लेंथ आया कि नहीं आया, तो पहला चीज़ ये हुआ। दूसरा ये होता है कि 95% क्वेश्चंस में क्या होता है कि या तो आंसर ये होगा या तो आंसर डी होगा, तो जब भी चेक करो तो पहले ए ऑप्शन चेक करो फिर डी करो, ए या डी में से कोई आंसर मिल जाएगा, ए और डी ना मिले तब जाके बी सी करो फिर सी चेक करो, ठीक है। ये ट्रिक होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी मैंने ये सेम क्वेश्चन तुमको एनर्जी के टर्म में यहाँ पे कराया था, दिखा दे रहा हूँ तुमको, रुक जाओ, ये देखो यहाँ पे तुम्हें कराया था एनर्जी के टर्म में, यही सेम क्वेश्चन था, एनर्जी का फॉर्मूला, इसलिए इसको डिटेल में समझाया था, तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा ना, इसका भी आंसर है। अभी एक क्वेश्चन और करा दूंगा मैं, कोई बात नहीं है। ये देखो कह रहा है कि x इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर है, x डिस्टेंस है किलोमीटर में और t हमारा सेकंड में, यूनिट अब b क्या होगा। मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी कि x इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर मतलब होगा कि जो ए टी होगा वो बी टी स्क्वायर बराबर क्या होगा, प्लस का साइन है, और x जो होगा हमारा ए टी के बराबर भी होगा, x जो हमारा बी टी के बराबर ही होगा बी टी स्क्वायर के, तो हमसे पूछ रहा है बी का, तो एक्स इक्वल टू बी टी स्क्वायर, तो बी इक्वल टू हो जाए एक्स अपन टी स्क्वायर, एक्स का किस में है किलोमीटर में है, इसका कितना सेकंड स्क्वायर है, किलोमीटर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, क्या दिक्कत है, इतनी आसान क्वेश्चन कैसे पूछ लिया इसने, कुछ दिक्कत नहीं रही, ऐसा ईयर होता 1989 किलोमीटर सेकंड स्क्वायर, किलोमीटर सेकंड स्क्वायर, ठीक। ये क्वेश्चन तुम फिर से करना, ये तुम्हारा होमवर्क है, यही सेम क्वेश्चन मतलब 2 बार वहाँ पे हो गया, एक बार ऊपर कराया हूँ एक बार ये सेम क्वेश्चन, एफ ए टी स्क्वायर इसका आंसर आएगा, तो ये क्वेश्चन एक बार फिर से कर लेना अच्छे से, उसके बाद ये वाले क्वेश्चन पे आ जाना, ये वाले क्वेश्चन पे, इस पे अच्छा क्वेश्चन है, ठीक, आगे आ जाओ मुन्ना। ये देखो मुन्ना फिर से वही क्वेश्चन,
यहाँ पे क्या दिया, फोर्स इक्वल टू ईटा है डी वी बाई मतलब बी बाई जेड। और यहाँ पे देखो क्या दिया था, यहाँ पे देखो दिखा रहा हूँ तुम्हें, ये देखो ईटा इक्वल टू रो पी आर स्क्वायर माइनस स्क्वायर फोर बी एल। तुमको भैया इसी से लगा देते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कहाँ लगाओगे भैया, कहाँ लगाओगे बताओ, इससे क्यों लगाओगे, इससे क्यों लगाओगे, जब तुम्हें बता है कि हमसे ईटा का पूछ रहा है, हमारे पास ईटा का फॉर्मूला फोर्स इक्वल टू सिक्स बाई ईटा, सिक्स बाई ईटा आर बी, सिक्स बाई ईटा आर बी, तो कहाँ लगाओगे ईटा का जो जो आंसर यहाँ आया है, ईटा का आंसर देखो यहाँ पे क्या आया है, एम एल, एम एल माइनस वन टी माइनस वन, वही आंसर यहाँ पे एम एल माइनस वन टी माइनस वन, वो चेंज ही नहीं होने वाला है, ठीक है। इसीलिए सिंपल सिंपल फॉर्मूले याद रखो और वहीं से निकाल लिया करो, बड़े बड़े डायग्राम और ग्राफ के चक्कर में ना पढ़ो, क्वेश्चन के चक्कर में ना पढ़ो, ठीक। कह रहा है कि इसका टाइम के बराबर हो, तो टाइम के लिए मैंने क्या बताया था, एल बाई आर सी आर और रूट में एल सी, तीनों का क्या होता है टाइम के बराबर होता है, तो एल बाई आर के बराबर होगा। कह रहा है डायमेंशन ऑफ आर सी, तो आर सी बोलो या सी आर बोलो सेम ही तो है, इसका भी टाइम होगा। किसका प्रेशर के बराबर डायमेंशन, तो बताओ प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स अपन एरिया, फोर्स होता है मास इंटू एक्सीलरेशन अपन एरिया, मास का हो जाएगा एम एस एरिया, एक्सीलरेशन का एल टी माइनस टू और एरिया का एल स्क्वायर, क्या हो जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। कोई दिक्कत यहाँ तक मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी तुम्हें। प्लैंक्स कांस्टेंट का किसके डायमेंशन इक्वल होता है, तो प्लैंक्स कांस्टेंट इक्वल टू एनर्जी इक्वल टू होता है एच म्यू, तो एच हमारा होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, ये तुम्हारे डबल लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, तो एनर्जी अपन म्यू हो जाएगा, एनर्जी होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू और फ्रीक्वेंसी होता है टी नोस, तो ये टी से टी कट जाएगा, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस वन बचेगा, ठीक। एनर्जी अपन म्यू, म्यू को मैंने टी इनवर्स क्यों लिखा, क्योंकि म्यू हमारा क्या है फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी इसका लो क्या होता है वन अपन टाइम पीरियड, यानी कि टी का इनवर्स। जिसको भी हल्का फुल्का नॉलेज होगा वो क्वेश्चन को बहुत इजीली कर लेता होगा, जिसको भी थोड़ी दिक्कत हुई होगी स्टार्टिंग से वो थोड़ा उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम का लगेगा, बहुत इजीली समझा रहा हूँ, वो भी समझ रहे होंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो टी इनवर्स हो जाएगा, तो कह रहा है तो इसका देखो एस का क्या हुआ, एस का हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, तो पूछ रहा है किसका इसके बराबर है, तो एनर्जी का बताओ क्या होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, तो ये तो टी माइनस वन है और ये टी माइनस टू है तो नहीं होगा। मोमेंटम का होता है एम बी, तो हो जाएगा एम एल टी माइनस वन, इसका भी नहीं हुआ। एम बी आर एंगुलर मोमेंटम का होता है एम बी आर, यानी कि एम एल टी माइनस वन और आर का एल, यानी कि एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, ये देखो ये और ये दोनों बराबर होंगे, यानी एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट का बराबर होता है, ठीक है। कौन से पेयर के पास इक्वल डायमेंशन नहीं है, तो एनर्जी और टॉर्क दोनों बराबर होते हैं, सही एंगुलर मोमेंटम प्लैंक कांस्टेंट अभी देखो बराबर है, इलास्टिक मॉडुलस प्रेशर बल्क मॉडुलस यंग मॉडुलस हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक डेंसिटी सबका क्या होता है प्रेशर होता ही तो है, यही तो बताया था मैंने यहाँ पे, इसीलिए बोला था एक बार 10 मिनट पढ़ के ही आना, सारी चीज़ बता चुका हूँ, ऐसी कोई भी क्वेश्चन तुम्हें नहीं मिलेगा जो यहाँ पे ना पढ़ाया जा रहा हो। ये देखो यहाँ देखो प्रेशर मॉडुलस यंग बल्क एनर्जी डेंसिटी ये सारे हमारे क्या होते हैं प्रेशर इसी के बराबर होते हैं, ठीक है। एम एल माइनस वन टी माइनस टू बराबर, तुम्हें दिख गया एक ही ऑप्शन बच रहा है, वो ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा हमारा, ऑप्शन क्या है वो रुक जाओ, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि फोर्स का होता है लिख देता हूँ, फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू और इम्पल्स इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू टाइम, तो इसका हो जाएगा एम एल टी माइनस टू इंटू टी, ठीक है, तो हो जाएगा एम एल टी माइनस वन, तो देखो अलग हो गया ना, इम्पल्स अलग हो गया फोर्स अलग हो गया, तो इसका आंसर होगा फोर्स और इम्पल्स, फोर्स और इम्पल्स, हाँ सही है, ठीक है। तो आई होप कि चीज़ें तुम्हें समझ में आ रही होंगी, मैं कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें समझा दूँ, वही चीज़ें हैं जो मैं मतलब सबको आती हैं चीज़ें, बट जिन लोगों का बीक हो उनके लिए भी एक बार करा दे रहा हूँ, क्वेश्चन अच्छे से कराऊँ एफ ए टी वाला 2021 वाला, तुम्हें क्वेश्चन होमवर्क दिया हूँ, अभी तुम्हें डी पी भी दूंगा, तो उस डी पी में भी कुछ क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे, वहाँ से भी कर लेना, ठीक है। अब देखो सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशन फॉर्म, अब तुम कहो भैया हमको सेल्फ इंडक्टेंस तो मालूम ही नहीं हम कहाँ से लगाएंगे, तो मैं इसीलिए बोलता हूँ इन सब के लिए परेशान मत होना, ठीक है। वैसे फॉर्मूला होता है फ्लक्स का एल इंटू आई, एल हमारा सेल्फ इंडक्टेंस होता है, तो एल इज इक्वल टू हो जाएगा फाई अपन आई, तो या तो मैं यहाँ से निकालूंगा तो हमको फाई निकालना पड़ेगा, या तो मैं कोई ऐसा फॉर्मूला ढूंढूँ जहाँ पे एल और उस एनर्जी में हमको रिलेशन हो, या एल या फोर्स में रिलेशन हो, तो एनर्जी इज इक्वल टू होता है एल स्क्वायर अपन हाफ एल आई स्क्वायर होता है, क्या होता है हाफ एल आई स्क्वायर, तुम्हें दिख गया एल निकालना था हमें, एल भी आ गया और एनर्जी भी आ गया, तो एल इक्वल टू हो जाएगा ई अपन आई स्क्वायर, इसका मतलब वो एनर्जी क्या होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू और आई इक्वल टू एम्पियर होता है, तो एम्पियर ए माइनस टू, यानी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस टू, ये होगा सी होगा सेल्फ इंडक्टेंस का, देख लेता हूँ।
एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस टी होगा। ठीक है, समझ आएगा ना कैसे किया हूँ यार, हर एक चीज़ तुम्हें बता चुका हूँ पहले ही, कुछ करना नहीं था। फ्लक्स फाइज का टू एलाई होता है, या तो फ्लक्स का तुम्हें मालूम होना चाहिए, या तो मैंने बोला था या तो फोर्स और फ्लक्स में तुम्हारे पास रिलेशन हो, या एनर्जी और फ्लक्स में रिलेशन हो। तुमने देखा एनर्जी और फ्लक्स में रिलेशन था, ये तुम्हें कहाँ से आएगी, जब तुम पूरे चैप्टर्स को पढ़ लोगे तब ये पूरे चैप्टर्स का कम्बिनेशन होता है। ठीक है, इसलिए कुछ टीचर्स को लास्ट में पढ़ाते हैं, बट इसके बिना बाकी चीज़ें छूट जाती हैं, इसलिए पहले पढ़ा दिया हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा। टॉर्क का क्या होता है, टॉर्क हो गया, वर्क हो गया, हीट हो गया, एनर्जी हो गया, सब तो हमारी एनर्जी है, जिसका क्या होगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू होगा, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू होगा। कह रहा है कि सी आर डिनोट कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी आर, अभी बताया हूँ एल बाई आर सी आर रूट में एल सी, इन तीनों का क्या होता है टाइम होता है, तो टाइम में क्या हो जाएगा एम जीरो एल जीरो टी वन, ये दोनों जीरो जीरो ये टी हो जाएगा, तो पहला हो गया। ठीक है, कह रहा है कि द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला पूछ रहा है, एंगुलर मोमेंटम फार्मूला होता है एम बी आर, एम का एल हो जाएगा, बी का एल टी माइनस वन, और आर का एल हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस वन एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। ठीक है, आंसर मिला देते हैं हम लोग एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। कह रहा है डायमेंशन देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जे मेंस में हर जगह भर भर के पूछा हुआ है। कह रहा है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पावर वन माइनस माइनस वन बाई टू का डायमेंशन क्या होगा, तुम्हें एक चीज़ मैंने बताया था सी इज़ इक्वल टू वन अपॉन वन रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये बताया था ना, इसका मतलब हुआ वन अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पावर माइनस वन बाई टू, यही तो हुआ प्लस सॉरी पावर वन बाई टू, यही जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पावर माइनस वन बाई टू। हमसे पूछ किसका रहा है, हमसे इसी का तो पूछ रहा है म्यू नॉट एप्सिलॉन माइनस वन बाई टू, यानी किसका ये टाइम, ये क्या है वेलोसिटी, ये क्या है वेलोसिटी, यानी जो भी डायमेंशन किसका है वेलोसिटी, यानी एल टी माइनस वन होगा, एल टी माइनस वन होगा। ठीक है, आई होप तुम्हें चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ये लोग कह रहे हैं कि हाफ एप्सिलॉन टी स्क्वायर, ये क्या था, ये क्या था बताओ, हाफ एप्सिलॉन टी स्क्वायर क्या होता, ऊपर बता चुका हूँ बी स्क्वायर अपॉन टू, ये एनर्जी डेंसिटी था, ये प्रेशर था, ये बल्क मॉडुलस था, ये देखो ना यहाँ पे, ये देखो यही प्रेशर था, एनर्जी डेंसिटी था, यही मैग्नेटिक डेंसिटी था, ये सब कुछ था, एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब कुछ था, एन आर टी था, बी था, प्रेशर था, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, यानी सबका डायमेंशन क्या होगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ठीक है, तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू, 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 ये होगा। इसीलिए जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको बार बार रिपीट किया जाता है जेएमएस में हर जगह पे, उन क्वेश्चंस को मैं पहले ही यहाँ उठा ले रहा हूँ। ठीक है, और एक चीज़ और, मतलब इसमें अभी एनसीईआरटी क्वेश्चंस की ज़रूरत नहीं थी, अगले चैप्टर से तो मैं एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो हमारे नीट पीवाईक्यू, ये सारे नीट पीवाईक्यू थे, ये भी नीट का पीवाईक्यू है। कह रहा है कि थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होगा, तो देखो थर्मल कंडक्टिविटी का ऐसा फॉर्मूला ढूंढो जिसमें एनर्जी भी आ जाए और जिसमें या तो एनर्जी या फोर्स हो, किसके साथ हो, थर्मल कंडक्टिविटी के साथ, तो तुम्हें फॉर्मूला मिलेगा कि डी क्यू अपॉन डी टी इसकल टू थर्मल कंडक्टिविटी का होता है के इंटू ए इंटू डेल्टा टी अपॉन एल, ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये होता है ना डी क्यू के डेल्टा टी अपॉन एल, यही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा एनर्जी हो गया, हमको चाहिए क्या कि के हमारा क्या है थर्मल कंडक्टिविटी, तो के क्या वैल्यू हो जाएगा डी क्यू अपॉन डी टी इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल्टा टी, यही तो होगा। तो डी क्यू अपन डी टी क्या है एनर्जी पर सेकेंड, इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया पावर, पावर का क्या होता है, पावर का क्या होता है यानी एनर्जी पर सेकेंड का क्या हो जाएगा डायरेक्ट इसका हो जाएगा वाट पावर इंटू, ये हमारा क्या है एल, एल का होता है क्या मीटर, एरिया का होता है मीटर का स्क्वायर, और डेल्टा टी का हो जाएगा केल्विन, ये हमारा क्या टेम्परेचर होता है ये, तो यहाँ से आ गया क्या वाट मीटर यूनिवर्स केल्विन यूनिवर्स, पहला कुछ है नहीं, बस सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, बस मैं यही कहूँगा कि ये सारे मतलब सारे चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन था, इसीलिए इसमें तुम्हें दिक्कत आ सकती है भाई ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये सारे फॉर्मूले तुम्हें आगे चैप्टर्स में मिलते जाएंगे। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि एक वेव है जो ट्रेवल कर रहा है, उसका ये दिया है वाई इक्वल टू ए साइन बी टी माइनस सी एक्स, कह रहा है कि ए बाई बी का बी बाई सी का रेशियो क्या होगा, तो मुझे एक चीज़ बताओ बी टी होगा वो भी डायमेंशन जैसा साइन के साथ कुछ भी रहे, थीटा वन है थीटा टू है कुछ भी रहे। ठीक है, ये इसको तुम ऐसे मान लो, मैं इस चीज़ बताता हूँ तुम्हें, मैंने क्या बोला था साइन पे फंक्शन में कुछ भी रहे
साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सब क्या होता है, वन के बराबर होते हैं, यानी बी टी भी वन के बराबर होगा, सी एक्स भी वन के बराबर होगा, बी हो जाएगा टी, बी हो जाएगा कितना, बी हो जाएगा वन अपन टी यानी टी इनवर्स, और ये सी हो जाएगा वन अपन एक्स यानी कि एम एल इनवर्स, सॉरी डिस्टेंस है ना एल इनवर्स, हमसे पूछ रहा है बी वाई सी यानी टी इनवर्स एल इनवर्स यानी कि एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन किसका है वेलोसिटी का है, बेब वेलोसिटी हो जाएगा। पहला चीज़ तुम ऐसे यहाँ से कर सकते हो। दूसरा एक मेथड और तुम्हें सिखा देता हूँ, यहाँ पे वाई इक्वल टू क्या था, ए साइन बी टी माइनस के एक्स, तुम्हें मालूम है ये किसका है, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये हमारा जनरल इक्वेशन होता है बेब का। वहाँ से ओमेगा हमारा बी के बराबर हो गया और के हमारा सी के बराबर हो गया, के हमारा सी के बराबर हो गया, तो के का वैल्यू मालूम है तुमको, टू पाई बाई लैम्डा होता है, टू पाई कांस्टेंट है, तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा लैम्डा इनवर्स, यानी कि सी इक्वल टू क्या हो जाएगा एल इनवर्स, जो यहाँ पर भी सेम आया यहाँ पर भी सेम आया। ओमेगा का वैल्यू बी के बराबर है, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, टू पाई एफ इक्वल टू बी होता है, तो बी इक्वल टू एफ होगा, एफ होता हमारा वन अपन टाइम पीरियड, हो जाएगा टी इनवर्स, यहाँ पर देखो टी इनवर्स यहाँ पर टी इनवर्स, दोनों मेथड से तुम कर सकते हो, ठीक है, दोनों मेथड से। ये तुम्हारा होमवर्क है जो बताया था ना फ्लोर और यूनिट वाला, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, वो तुम्हारे लिए होमवर्क काम करेगा। ये भी होमवर्क है, वेव नंबर, वेव नंबर के बारे में बताना है क्या होगा, वेव नंबर क्या होता है, वन अपन लैम्डा बराबर होता है, ये निकाल दो, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तुम्हें मालूम है कैसे निकालोगे, फोर्स कर लो तो वन अपन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपन आर, यहाँ से ये निकालो, होमवर्क तुम्हें दे रहा हूँ, ये देखो कह रहा है डैम्पिंग फोर्स जो है एक्सीलरेशन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके वेलोसिटी के, तो कह रहा है कांस्टेंट क्या होगा, तो फोर्स इज इक्वल टू के भी कर दो, के का वैल्यू पूछा है, के इज इक्वल टू फोर्स अपन बी, के हमारा होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन अपन बी, यानी कि मास को हो जाएगा के जी, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अपन वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड, मीटर से मीटर खत्म हो जाएगा, के जी पर सेकंड सी हो जाएगा, मास ये होगा ना के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर से मास। आई होप कि चीज़ें तुम्हें समझ में आ रही है, जल्दी कर रहा हूँ ना, तो मैं लग रहा हूँ कि भैया जल्दी कर रहा हूँ, थोड़ी स्लो पढ़ाएं या जल्दी करा रहा, क्योंकि यार चार घंटे पाँच घंटे का लेक्चर नहीं कर सकता ना मैं भी, चीज़ें तुम्हें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ स्टार्टिंग से ही, और मुझे लग रहा है तुम्हें आ रही होंगी, और तुम्हें आ रही होंगी तो तुम्हें ज़रूर कमेंट में बताना हाँ भैया आ रही है, एक बार मुझे थोड़ा मोटिवेशन आ जाए ना इससे, क्योंकि एकदम थका हुआ है सुबह से ही काम कर रहा हूँ, और देखो पी डी एफ बनाया गलती कर दिया उसमें खुद ही, देखो इसलिए देखो कह रहे डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, देखो ये हमारा यूनिट था ये हमारा डायमेंशन था, अगर डायमेंशनलेस है तो क्या फ़ायदा, डायमेंशनलेस हो तो हो तुम, हमारे पास यूनिट हो भी सकती है यूनिट नहीं भी हो सकती है, तो मे हैव यूनिट और मे नॉट हैव यूनिट, नहीं मे हैव यूनिट, यूनिटलेस क्वांटिटी, अगर कोई यूनिटलेस क्वांटिटी, यूनिट है ये डायमेंशन, अगर यूनिट ही नहीं है तो डायमेंशन होगा ही नहीं, डायमेंशन होगा ही नहीं, और डायमेंशन होगा ही नहीं यानी कि डायमेंशनलेस है, यानी कि डायमेंशनलेस है, डायमेंशनलेस है, तो डायमेंशनलेस होगा तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, यानी कि हमेशा वो हमेशा हो हमेशा हो हमेशा वो नॉन जीरो डायमेंशन होगा, नॉन जीरो होगा ही, वो डायमेंशनलेस है और डायमेंशनलेस को लोग वन मानते हैं, डायमेंशनलेस को वन मानते हैं, तो नॉन जीरो डायमेंशन होगा, यूनिटलेस क्वांटिटी नॉन जीरो डायमेंशन, तो इसमें डायमेंशनलेस मतलब डायमेंशन होगा ही नहीं, तो नेवर ए सॉरी ये नेवर होगा ना, नेवर है ये नॉन जीरो डायमेंशन, उसका नॉन जीरो डायमेंशन कभी नहीं होगा, कभी नॉन जीरो होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि उसकी वैल्यू ही वन हो जाती है। रिलेटिव डेंसिटी जीरो होगा डायमेंशनलेस होता, अभी बताया था रिलेटिव डेंसिटी मतलब क्या होता है डेंसिटी अपॉन डेंसिटी, तो जीरो हो जाएगी डायमेंशनलेस हो जाएगी। फिजिकल क्वांटिटी एक वेक्टर है स्केलर है, किसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है बताओ भाई, होमवर्क लो, कौन किसका फॉर्म किसका होमवर्क इसमें सेम है बताओ, होमवर्क लो, ये देखो जीएमएस का क्वेश्चन आ गया, बी स्क्वायर अपन टू मी नॉट, ये क्या होता है बाबू, अभी बोला हूँ प्रेशर होता है, प्रेशर हो इसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी डेंसिटी प्रेशर बल्क मॉडुलस सबका वन होता है, मतलब प्रेशर का ही फॉर्मूला, तो प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपन एरिया, तो मुझे ये नहीं मालूम लेकिन ये मालूम है तो फोर्स अपन एरिया कर दिया हमने, एम एल टी माइनस टू अपन एल स्क्वायर, तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये हो जाएगा। देखो तो यही हमारा क्वेश्चन था एफ ए टी वाला, वही सेम क्वेश्चन ये है, उसको अप्लाई करके इसको सॉल्व कर लो, नहीं आएगा तो मुझसे कहना, अभी बाकी भी कुछ क्वेश्चन तो मैं डी पी पी दूंगा और कुछ क्वेश्चन कल कराऊंगा। ये म्यू नॉट अपन एप्सिलॉन नॉट अभी मैं बताया था ना, वन अपन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का, तो इसका वैल्यू बताओ तुम होमवर्क के तुम्हारे लिए। चलो आ जाओ, बोला था ना एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, ये देखो यही क्वेश्चन जे मीन 2019 में पूछा गया था, ये तो मैं बोला होमवर्क के लिए, होमवर्क ले दिया, होमवर्क करके आना, ये क्वेश्चन देखो जरा, एक क्वेश्चन फिर तुम्हें समझाता हूँ भाई।
अगर एप्सिलॉन नॉट डिनोट करता है डायमेंशनल फॉर्म ऑफ परमिटिविटी वैक्यूम एमएलटी ए इलेक्ट्रिक करंट, तो एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, तो ये बताओ। या तो मैं वैसे निकाल दूँ पी पर पावर ए, क्यू पर पावर बी, सी पावर सी, ऐसे करें, लेकिन देखो एप्सिलॉन नॉट किसे पूछ रहा है। ऐसा ढूंढो जिसमें फोर्स हो या एनर्जी हो। हमारे दिमाग में तुरंत एक भैया फॉर्मूला क्लिक किया कि फोर्स इज इक्वल टू होता है 1/4π एप्सिलॉन नॉट q1 q2/r2। मैं बोलूँगा सही बात है, यहाँ फोर्स है, एप्सिलॉन नॉट है, तो एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा भैया 1/4π फोर्स इंटू q1 q2/r2। मैं कहूँगा बिल्कुल हो जाएगा। तुमको भैया ये तो कॉन्स्टेंट है, इसको हटा दीजिए। मैं बोलूँगा हटा दो। तुमको भैया q1 q2/f2। मैं कहूँगा बिल्कुल सही बात है। तो तुम कहोगे भैया q1 q2 का क्या हो जाएगा, q इज इक्वल टू होता है i × t, q इज इक्वल टू होता है i × t। जैसे करंट क्या होता है dq/dt, चार्ज पर टाइम, तो q हो जाएगा i × t। तो यहाँ से हो जाएगा एम्पियर इंटू टाइम, ये t हो जाएगा ना, ये i का एम्पियर, करंट का एम्पियर और t का t। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिखूंगा कि ए टी का स्क्वायर, क्योंकि q का स्क्वायर हो जाएगा ना, q²/r2। ए टी का स्क्वायर में फोर्स, फोर्स होता है ML(t-2) और एयर का स्क्वायर में एल का स्क्वायर, तो हो जाएगा क्या M-1 L^-3 A²² और T^4। तो M^-1 L^-3 A²T^4 B हो जाएगा। तुम्हें दिख रहा होगा चीज़ें कुछ है नहीं, बस तुम्हें क्या करना है, जोड़ घटाना ही करना पड़ रहा है। जोड़ घटाना बेसिक सबको आता है, ठीक है। अब तुम मुझसे कहो भैया जोड़ घटाना भी कर दीजिए, बताओ जोड़ घटाना उसमें क्या मैं कराऊँ। तो अगर तुम लोगों को कोई भी दिक्कत हो रही है आज के लेक्चर में, तुम मुझे जरूर व्हाट्सएप वाले ग्रुप में जरूर बताना भाई ये दिक्कत हो रही थी, ये सही कर लीजिए। तुम लोगों के कहने पे व्हाइट वाले बैकग्राउंड पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, नहीं तो व्हाइट वाले बैकग्राउंड पे नहीं सॉल्व करता मैं, ठीक। ये क्वेश्चन तुम्हें करना है, थर्मल कंडक्टिविटी का अभी ऊपर बताया हूँ, उसी का एक और फॉर्मूला ये करना है तुम्हें। ये रिलेशन बता दो ए एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट में, तो तुम्हें एक फॉर्मूला मालूम है 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू होता है सी, तो इन दोनों रिलेशन चाहिए ना, तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर मत करो, कर दो स्क्वायर, इक्वल टू क्या हो जाएगा सी का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/μ0 का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर हो जाएगा सी स्क्वायर। नहीं 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 नहीं, गलती हुआ गलती हुआ। देखो 1/√ में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट है, सी है, स्क्वायरिंग करोगे तो हो जाएगा सी स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो तुम्हें दिख रहा होगा हमको म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट में चाहिए, तो तुम किसके म्यू नॉट दिया ना यहाँ पे इधर, तो म्यू नॉट को इधर भेज दो, तो म्यू नॉट हो जाएगा 1/εr नॉट सी का स्क्वायर। तो हमें मालूम हो गया 1/εr नॉट का मतलब क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट का इनवर्स क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट का इनवर्स अपन सी का स्क्वायर, तो एप्सिलॉन नॉट का इनवर्स अपन सी इक्वल टू होता है LT-1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट 1 का इनवर्स, एप्सिलॉन नॉट का इनवर्स और हो जाएगा L^-2 T^2 डी हो जाएगा। अरे ये एल का स्क्वायर ऊपर गया L^-2 आ गया और T^-2 ऊपर गया टी का स्क्वायर आ गया, तो ये हो जाएगा। तो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, अभी ऊपर ही क्वेश्चन करा हूँ, ये तुम्हारे लिए, ये तुम ये जो क्वेश्चन है ये सबसे लास्ट में करना, जब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तभी लास्ट में तुम इसको ट्राई करना, ठीक। यहाँ देखो एल सी आर दिया हुआ, कह रहा कॉम्बिनेशन बताओ इसका डायमेंशन फ्रीक्वेंसी करा हो, फ्रीक्वेंसी होता है 1/ टाइम पीरियड, टाइम पर तुमको मालूम है कि L/R CR और रूट में LC होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होगा 1/ टाइम पीरियड, यानी कि R/L 1/CR 1/ रूट में LC, यही होगा 1/RC और R/L दोनों हमारे हो जाएंगे जो फ्रीक्वेंसी बताएंगे। तो ये हमारा ये हो गया, और ये अब ये तो अभी तुरंत ऊपर करवाया हूँ, तो इसका तुम्हारा होमवर्क हो गया, ठीक है। तो हमने सारे यूनिट के सारे क्वेश्चन निकाल लिए हैं, जो क्वेश्चन होमवर्क दिया हूँ वो तुम्हें करने ही करने हैं, और अभी तुम्हें कुछ क्वेश्चन मतलब 10-15 क्वेश्चन के एक्स्ट्रा तुम्हें भेजूंगा, वो भी तुम्हें करने हैं DPP के तौर पे, ठीक है। DPP भी तुम्हें दे रहा हूँ मैं, तो फिर तुम लोग बोले थे प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो जो क्वेश्चन फंस रहा है वो, जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया है वो, और जो मैं तुम्हें DPP दूंगा वो तुम्हें क्वेश्चन करने ही करने हैं, ठीक है। अब हमारे पास बच रहा है क्या, काइनेटिक्स से क्वेश्चन प्रैक्टिस है, तो काइनेटिक्स से क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग कल वाले पार्ट में, जो हमारे कल एक वीडियो आएगा फ्री फॉल का या ग्रेविटेशन वाला, तो वहाँ से मतलब काइनेटिक मोशन वाला, तो उसमें और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस दोनों एक साथ होगी, ठीक है, क्योंकि कल एक ही वीडियो आएगी, कल क्लास है मेरा, ठीक। तो कल मतलब एक ही टॉपिक होगी, उसके बाद देखना 2D में 2 ही दिन में कंप्लीट करा दूंगा, क्योंकि बहुत 5 टॉपिक है, तो 2-3 टॉपिक छोटा छोटा है उसको करा दूंगा, तो ऐसे जल्दी जल्दी हो जाएगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं है।
तो बाकी क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे, तब तक ये क्वेश्चन करो, अभी DBP भेज दूंगा आधे घंटे एक घंटे में, और भी कोई दिक्कत होगी तुम्हें तो फिर मुझे तुरंत बताना कमेंट में या मतलब व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे कि मतलब भैया ये दिक्कत हो रही है। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।